प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। सिंघम 3 को स्पाई थ्रिलर मूवी के तौर पर क्यों बनाया जा रहा है? इस फिल्म को सिंघम रिटर्न से भी बड़ी फिल्म क्यों माना जा रहा है? फिल्म का बजट 300 से 400 करोड़ क्यों रखा गया? और इस फिल्म का कनेक्शन इंटरनेशनल से कैसे है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिल्म सिंघम 3 के बारे में। रोहित शेट्टी और अजय देवगन ने कई सुपरहिट फिल्में एक साथ की हैं और सिंघम लोकप्रिय सीरीज है। इसके दोनों भाग बेहद सफल रहे थे। अजय और रोहित ने लंबे समय से साथ काम नहीं किया है, लेकिन अब वो साथ काम करने जा रहे हैं। रोहित की पिछली फिल्म दिलवाले और अजय की शिवाय बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। ऐसे में जरूरी है कि ये जोड़ी फिर साथ काम करे। रोहित और अजय का मानना है कि सिंघम के रूप में अजय बेहद लोकप्रिय है। ये ऐसी सीरीज है कि जिसकी फिल्म दर्शक देखना चाहते हैं। अजय इसमें एक ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका निभाते हैं। पुलिस की ये फिल्म छवि भी उज्जवल करती है। सिंघम 3 में अजय देवगन नए विलेन से जूझते नजर आएंगे। अजय और रोहित के फैंस ये जानकर खुश हो सकते हैं कि दोनों ने सिंघम 3 की प्लानिंग कर ली है। फिलहाल स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा है और 2018 के एंड तक शूटिंग शुरू कर दी जाएगी और फिल्म को 2019 में रिलीज किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से जब से ये खबर आई है कि सनी देओल अब बड़े पर्दे पर सिंघम बनकर आने वाले हैं, इस तरह की खबरें है सनी देओल ने अजय देवगन की जगह ली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंघम का तीसरा भाग बनाया जाएगा और बॉलीवुड के असली सिंघम यानी कि अजय देवगन ही इसके हीरो होंगे। अजय देवगन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि रोहित शेट्टी के निर्देशन में 2011 और 2014 में बन चुके सिंघम का तीसरा भाग बनाया जाएगा और सिंघम 3 में लीड रोल वही करेंगे। रोहित इन दिनों स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और जैसे ही वो तैयार हो जाएगी फिल्म शुरू की जाएगी। अजय ने इस कंफ्यूजन को भी दूर किया कि सिंघम के तीसरे भाग में उनकी जगह सनी देओल ने नहीं ली है, वो फिल्म अलग है। 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल का रौद्र रूप अक्सर ही बड़े पर्दे पर देखा गया है। घायल रिटर्न्स के बाद अब वो एक और एक्शन फिल्म में काम करने जा रहे हैं जिसमें वो पुलिस अफसर की भूमिका में होंगे। रिपोर्ट्स की माने तो 6 अगस्त को ही बता दिया था कि सनी देओल फिल्म एसरी नाम की फिल्म में काम करने जा रहे हैं। ओके जानू, माई नेम इज खान और गजनी जैसे फिल्मों के सिनेमेटोग्राफर रवि के चंद्रन पहली बार इस फिल्म से हिंदी के डायरेक्शन की कमान संभालने जा रहे हैं। फिल्म S3 इस नाम से तमिल में भी बन चुकी है। साउथ की इस फिल्म में सूर्या, श्रुति हसन और अनुष्का शेट्टी ने काम किया था। जयंती लाल गड़ा इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं और तीसरे भाग को हिंदी में सनी देओल के साथ बनाया जाएगा। सनी को पहली बार में ही कहानी पसंद आई है और उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए तुरंत सहमति दे दी। इस फिल्म की शूटिंग इसी साल के अंत में शुरू होगी। तमिल की S3 में विलेन का रोल निभाने वाले ठाकुर अनूप सिंह ही हिंदी में भी खलनायक होंगे। सिंघम 2011 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया, अजय देवगन, काजल अग्रवाल और प्रकाश झा लीड रोल में नजर आए। ये फिल्म 2010 में तमिल फिल्म सिंघम का हिंदी रूपांतरण है जिसमें सूर्य ने मुख्य भूमिका अदा की थी। फिल्म का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया जिन्होंने तमिल फिल्म का सह निर्माण किया था। फिल्म को 22 जुलाई 2011 को रिलीज किया गया और ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म की शुरुआत एक ईमानदार पुलिस अफसर राकेश कदम यानी कि सुधांशु पांडे के आत्महत्या करने से होती है, क्योंकि उस पर रिश्वत लेने का झूठा आरोप जयकांत श्रीकरे ने लगाया था जो गोवा का गुंडा राजनेता है। कदम की पत्नी मेघा कदम यानी कि सोनाली कुलकर्णी इस बात का बदला लेने की कसम खाती है। कहानी शिवगढ़ से आगे बढ़ती है जहां बाजीराव सिंघम यानी कि अजय देवगन कदम की तरह ही एक ईमानदार पुलिस अफसर वहां के स्टेशन का मुखिया है। वो अपने गांव की अधिकतर परेशानियां अहिंसा व आपसी सामंजस्य से सुलझता है। बल का उपयोग तभी करता है जब उसकी आवश्यकता होती है और इस कारण उसे गांव वालों से सम्मान व प्यार दोनों मिलता है। गौतम भोसले यानी कि गोटिया सचिन खेड़ेकर एक व्यापारी हैं और सिंघम के पिता मानिक राव सिंघम यानी कि गोविंद नामदेव का मित्र है। एक दिन वो गांव में अपनी बेटी काव्या काजल अग्रवाल के साथ आता है। सिंघम व काव्या एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है जब एक दिन जयकांत जिसे बेल पर खून के आरोप में छोड़ा होता है वो शिवगढ़ आकर हर चौथे दिन बेल के कागजात पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। स्वयं आने के बजाय वो अपने दो आदमियों को कार्य पूरा करने भेजता है जिसे सिंघम चिढ़ जाता है और जयकांत को स्वयं आकर हस्ताक्षर करने को कहता है। अपमानित होकर जयकांत शिवगढ़ पहुंच जाता है पर गांव वालों के सिंघम के प्रति निष्ठा व प्रेम देखकर बदला नहीं ले पाता। वो अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करके सिंघम का तबादला गोवा में करवा लेता है
ताकि उसे सबक सिखा सके। सिंघम इस बात से अनजान कि उसके तबादले के पीछे जयकांत का हाथ है, कोलावा पुलिस थाने में कार्यरत हो जाता है। उसके सहकारी सब इंस्पेक्टर फंडिस यानी कि विनित शर्मा, सब इंस्पेक्टर अब्बास यानी कि अंकुर नायर, मुख्य कांस्टेबल सावलकर यानी कि अशोक शर्राफ जयकांत को उसके जुर्मों की वजह से नफरत करते हैं, परंतु उसकी राजनीतिक तगाद के कारण उस पर कोई आरोप नहीं लगा पाते। डीएसपी पाटकर यानी कि मुरली शर्मा सिंघम का सीनियर जयकांत के लिए कार्य करता है और उसके खिलाफ सारे सबूतों को मिटाता रहता है। सिंघम इस बात को डीजीपी विक्रम पवार यानी कि प्रदीप वेलेंकर के पास लेकर जाता है, परंतु कुछ सिद्ध नहीं कर पाता क्योंकि जयकांत और पाटकर के खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं होते। वहाँ का मंत्री अनंत नावेरकर यानी कि अनंत जोग भी सिंघम को मदद करने से इनकार कर देता है। वो उसे जयकांत के मामलों से दूर रहने को कहता है। हार कर सिंघम अपने गांव वापस जाने का निर्णय लेता है, परंतु उसे काव्या रोक लेती है और उसे जुर्म से भागने की जगह उसे लड़ने को उकसाती है। सिंघम रिटर्न्स 2011 की सुपरहिट फिल्म सिंघम का रीमेक है। 2011 की सुपरहिट सिंघम के ही बाद ईमानदार और निडर बाजीराव सिंघम डीसीपी मुंबई पुलिस बनकर मुंबई लौटता है। कहानी मारधाड़ से तब्दील हो जाती है जब सिंघम की ही सेना का एक पुलिस कांस्टेबल मरा हुआ मिलता है और उसके ऊपर गैर कानूनी रूप से पैसे रखने का आरोप लगता है और भ्रष्ट करार दिया जाता है। कहानी का पर्दाफाश करने के लिए राजनीति व्यवस्था से प्रभावित कालाबाजारी करने वाले को पकड़ने के लिए वो खोज शुरू करता है। इस पूरी यात्रा के दौरान डीसीपी सिंघम सिस्टम में बैठे इन बदमाशों से ईमानदारी साहस और परिश्रम से लड़ते हैं। निर्भीक शेर एक बार फिर दहाड़ने को तैयार है और नई चुनौतियों का सामना करता है जो उसके रास्ते में उसकी अखंडता और वीरता के परीक्षण के लिए आती है। पूरा कानून परिवर्तन इस तरह के मुद्दों पर उसका समर्थन करता है। बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म सिंघम याद तो होगी ही। इस फिल्म में अजय देवगन की जबरदस्त एक्शन को दर्शकों ने खूब पसंद किया। सिंघम की सफलता को देखकर फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी ने सिंघम 2 भी रिलीज किया जो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई। अब रोहित शेट्टी अगली फिल्म सिंघम 3 बनाने जा रहे हैं। अजय देवगन की फिल्म सिंघम और सिंघम 2 में उनकी हीरोइन अलग अलग थी। अब फिल्म सिंघम 3 में भी हीरोइन बदल चुकी है। खबरों के मुताबिक अब रोहित शेट्टी सिंघम 3 में किसी नए चेहरे को कास्ट करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं फिल्म सिंघम 3 में कौन सी लड़की अजय देवगन की हीरोइन होगी। खबरों के अनुसार जिस एक्ट्रेस को रोहित शेट्टी कास्ट करना चाहते हैं उस लड़की का नाम है हुमा कुरैशी। हुमा कुरैशी बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत और हॉट अभिनेत्रियों में शामिल है। हुमा कुरैशी अपनी अदाओं से बॉलीवुड में खास पहचान बना चुकी हैं। हालांकि फिल्म सिंघम 3 के लिए किसी एक्ट्रेस को अभी तक कास्ट नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि रोहित शेट्टी इस मूवी के लिए हुमा कुरैशी को अजय देवगन की हीरोइन के रूप में लेना चाहते हैं। इसके लिए हुमा कुरैशी से बातचीत चल रही है। अब देखना ये होगा कि सिंघम की हीरोइन कौन होती है। साल 2011 में आई अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फिल्म सिंघम को पूरे 7 साल हो गए हैं। अजय की उस साल आई उन फिल्मों में से सबसे प्रॉफिटेबल फिल्म यही साबित हुई थी। इस फिल्म में उनकी हीरोइन काजल अग्रवाल थी। वहीं प्रकाश राज ने फिल्म में विलेन का रोल निभाया था। इसके 7 साल पूरे होने पर हम आपको बता रहे हैं फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। सिंघम साल 2010 में इसी नाम से आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक थी। तमिल फिल्म में सूर्या और अनुष्का शेट्टी थी। सबसे मजेदार बात ये रही इसके तमिल और हिंदी वर्जन दोनों में विलेन की भूमिका प्रकाश राज ने निभाई थी। सिंघम उस साल की सबसे हिट फिल्मों में शुमार थी और कंट्रोवर्सी के मामले में ये फिल्म पीछे नहीं थी। फिल्म में कन्नड़ लोगों पर किए गए कमेंट्स के कारण इसे लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। कर्नाटक के कई सिनेमा घरों ने इस फिल्म को दिखाने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि जब तक फिल्म से वो डायलॉग नहीं हटाए जाएंगे तब तक वो फिल्म रिलीज नहीं होगी। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदस्यों ने फिल्म के सेट पर आकर प्रदर्शन किया था। सदस्यों का फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे रिलायंस एंटरटेनमेंट पर आरोप था कि उन्होंने लोगों से काम करवा कर उनकी पेमेंट रोक रखी है। रिलायंस को इन लोगों को 45 लाख पेमेंट करना था। रोहित शेट्टी की सिंघम 20 करोड़ के छोटे बजट में बनी थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के झंडे गाड़ गई। इस एक्शन मसाला फिल्म ने 140 करोड़ की कमाई की थी। 2011 में आई अजय देवगन स्टारर फिल्म सिंघम ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। फिल्म के डायलॉग्स आतामा जी सटकली से लेकर अजय देवगन के अवतार और धुआंधार फाइट सीन्स तक सभी को जनता के मन में ऐसा बसा कि आज इस फिल्म के रिलीज के 7 साल बाद भी लोगों को इसे देखने से मन नहीं भरता। लेकिन फिल्म सिंघम के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद आपको पता नहीं होगी, जैसे कि इस फिल्म की हीरोइन काजल अग्रवाल से पहले
फिल्म बाहुबली की एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी को हीरोइन का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन अनुष्का ने इस रोल को करने से मना कर दिया था। बाद में रोहित ने अपनी फिल्म में काजल अग्रवाल को लिया। दिलचस्प बात ये भी है कि फिल्म सिंघम को मात्र 20 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, लेकिन इस फिल्म ने 140 करोड़ का कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। दर्शकों को ये फिल्म बेहद पसंद आई थी और इसीलिए सीक्वल बनाया जा रहा है सिंघम 3 के नाम से। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सिंघम नाम यूज करने से क्यों मना किया सनी देओल ने अजय देवगन को? शाहरुख खान की फिल्म क्यों नहीं करना चाहते वरुण धवन? आखिर क्यों रणबीर कपूर ने शाहरुख खान की फिल्म डॉन 3 छोड़ी? क्या सच में शाहरुख खान ने 45 करोड़ रुपए दिए थे पाकिस्तान को? और क्या कहना है इस बारे में मीडिया टीम की? सिंघम 3 की कहानी क्या होगी और फिल्म में विलन कौन होगा, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और लोग YouTube पर मुझे एंटी खांस के नाम से जानते हैं। स्वागत करता हूं आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके मन में फिल्म से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको एक घंटे के भीतर ही रिप्लाई मिल जाएगा आपके ही कमेंट बॉक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के रियल शेयर यानी कि सिंघम और अजय देवगन के बारे में। दोस्तों, रोहित शेट्टी और अजय देवगन ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। जब बॉलीवुड में रोहित शेट्टी आए उसके बाद से ही एक के बाद एक लगातार हिट पे हिट फिल्में दे रहे हैं। हालांकि 16 साल की उम्र से ही रोहित शेट्टी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर अजय देवगन को डायरेक्ट कर रहे हैं। उनकी पहली फिल्म थी फूल और कांटे। हालांकि अजय की भी पहली फिल्म थी एज ए लीड हीरो फूल और कांटे। दोस्तों, देखा जाए तो रोहित शेट्टी ने अपने पूरे करियर में सिर्फ अजय को ही डायरेक्ट किया है, उसके बाद फिर वरुण धवन, शाहरुख खान और अभी रणवीर सिंह को। लेकिन कहा जाता है कि सिंघम उनकी सुपरहिट फ्रेंचाइजी फेवरेट है। इसके दोनों पार्ट सफल थे। दोनों ही पार्ट ने यानी कि सिंघम और सिंघम रिटर्न्स ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई थी और यही कारण है कि इस फिल्म का रीमेक पंजाबी वर्जन में बन रहा है। उस फिल्म में हमारे हैं लीड रोल में परमीश वर्मा जो कि पंजाबी सिंगर और एक्टर हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रोहित शेट्टी सिंघम के साथ साथ लिटिल सिंघम भी लेकर आ रहे हैं। ये एक रोमांचक एनिमेशन सीरीज है जिसे 250 से अधिक कलाकारों ने 6 महीने से अधिक का समय लिया और इसे तैयार किया। ये 150 से अधिक एपिसोड होगा इसका, जिसको टेलीकास्ट किया जाएगा हिंदी में, तमिल में और तेलुगु में। हालांकि इसी नाम से एक गेम भी लॉन्च किया गया लिटिल सिंघम के नाम से, जिसको अभी तक 50 लाख से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। दोस्तों, हमारे अजय देवगन की पॉपुलैरिटी है ही ऐसी। अजय देवगन के अलावा हमारे रोहित शेट्टी ने काम किया था वरुण और शाहरुख खान के साथ। उनकी फिल्म थी दिलवाले। हालांकि इस फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया था बॉक्स ऑफिस पे और इसी की वजह से वरुण शाहरुख खान के साथ काम नहीं करना चाहते। अभी हाल ही में शाहरुख खान ने बतौर प्रोड्यूसर एक फिल्म प्रोड्यूस करने का फैसला लिया है। फिल्म का नाम है इत्तेफाक। ये फिल्म उसकी रीमेक होगी। इत्तेफाक जो कि 2017 में आई थी, फिल्म में लीड रोल में थे सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा। उस फिल्म का रीमेक बनाना चाहते हैं शाहरुख खान और उनकी पहली पसंद है वरुण धवन। लेकिन दिलवाले बॉक्स ऑफिस पे जो नहीं चली थी, डेट्स प्रॉब्लम का बहाना बनाया और फिल्म से खुद को साइड कर लिया। हालांकि वरुण धवन भूल गए कि बाजीगर फिल्म में शाहरुख खान का एक डायलॉग था कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब वरुण धवन नहीं चाहते कि उनके फिल्मी करियर पे फ्लॉप का दाग या धब्बा लगे और इसलिए उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। अब उनकी जगह शाहरुख खान ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को लिया है। दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही, बाकी की कहानी अगले पार्ट में। सो स्टे ट्यून्ड विद एंटी खांस और देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज। थैंक यू।
3 के एक सीन को शूट करने के लिए रोहित शेट्टी क्यों करना चाहते हैं 50 करोड़ से अधिक खर्च? हॉलीवुड के एक एपिसोड में कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं? टीवी सीरियल 15 मिनट के सीन के लिए कितने लाख रुपए खर्च करते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने मिलकर कई हिट फिल्में दी हैं और फैंस ने उनकी फिल्मों को बेशुमार प्यार भी दिया है, वो गोलमाल सीरीज हो या फिर सिंघम सीरीज। और फैंस को उनकी आगामी फिल्म का बेसब्री से इंतजार होता है। तो इसी बीच एक फैन ने रोहित शेट्टी से पूछा कि वो अजय देवगन के साथ अगली फिल्म लेकर कब आ रहे हैं। तो रोहित शेट्टी ने कहा कि हम दोनों जल्द ही साथ काम करने वाले हैं और हम एक नहीं बल्कि दो दो फिल्में लेकर आ रहे हैं, गोलमाल सीरीज और सिंघम सीरीज की सिंघम 3। दोस्तों, अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने मिलकर 8 फिल्में दी हैं, जिनमें से उनकी 5 फिल्में बैक टू बैक आई थी और 5 फिल्में 100 करोड़ के क्लब में भी एंट्री ले चुकी है, जिसमें से 2017 में आई थी गोलमाल अगेन, जिसने 205 करोड़ का कलेक्शन किया था और ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। वहीं 2014 में आई थी सिंघम रिटर्न, जिसने 139 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही थी। वहीं 2014 में एक और फिल्म आई थी गोलमाल 3, जिसने 110 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कॉमेडी से भरपूर फिल्म थी और ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 2012 में आई थी उनकी बोल बच्चन, जिसने 100 करोड़ का कलेक्शन किया था। 2011 में आई थी सिंघम, जिसने 101 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो सुपरहिट रही थी। और अब अजय देवगन और रोहित शेट्टी मिलकर सिंघम 3 लेकर आ रहे हैं। और वैसे आपको बता दें कि अजय देवगन सिंघम 3 के एक सीक्वेंस पर 50 करोड़ से अधिक खर्च करने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हॉलीवुड के एक एपिसोड को शूट करने में 110 करोड़ खर्च किए जाते हैं। जी हाँ, गेम्स ऑफ थ्रोन के एक एपिसोड को बनाने में 110 करोड़ खर्च किए गए थे। वहीं भारतीय टीवी सीरियल 15 मिनट के सीन को शूट करने में 2 लाख रुपए खर्च करता है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि रोहित शेट्टी अपनी फिल्म के एक सीक्वेंस को शूट करने में 50 करोड़ से अधिक खर्च करने जा रहे हैं, तो क्या ये फिल्म साहो से भी बड़ी होने वाली है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। अजय देवगन से सलमान खान की सीधी टक्कर, 2020 में बड़ा धमाका। दबंग खान और सिंघम में क्यों सीधी टक्कर होने जा रही है? अभी तक किन लोगों ने पुलिस वाले अवतार में फिल्में हिट दी हैं? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई अपडेट में। सलमान खान के सितारे इन दिनों बुलंदी पर है, लेकिन उनके पास बॉलीवुड की एक से एक बढ़कर फिल्में आ रही है। हाल ही में रोहित शेट्टी की फिल्म भी फाइनल हो गई है, जिसमें सलमान पुलिस वाले के रोल में नजर आएंगे। जी हाँ, सलमान खान एक नहीं बल्कि दो दो फिल्मों में पुलिस वाले का किरदार निभाएंगे। पहली तो दबंग 3 है ही, और अब रोहित शेट्टी की कॉप ड्रामा भी। देखा जाए तो सलमान को दबंग पुलिस वाले के अवतार में काफी पसंद भी किया जाता है। रोहित शेट्टी इससे पहले अजय देवगन के साथ सिंघम और हाल ही में रणवीर सिंह के साथ सिम्बा बना चुके हैं। वहीं अब वो सलमान के साथ जबरदस्त कॉप ड्रामा बनाने के मूड में दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म का आइडिया किक से लिया गया है, जिसमें डेविल आखिर में पुलिस वाला बन जाता है। ऐसे में अगर ये रोहित शेट्टी की सिंघम से सलमान की तुलना की जाए तो ये मानना पड़ेगा कि सलमान खान अब अजय देवगन से टक्कर लेते नजर आएंगे। तो चलिए इसी बात पर आपको आगे बता देते हैं कि उन सुपरस्टार्स के बारे में जो पर्दे पर पुलिस वाले के किरदार में नजर आ चुके हैं। रणवीर सिंह, रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा में रणवीर सिंह पुलिस अफसर के किरदार में शानदार नजर आए थे। अजय देवगन, फिल्म सिंघम में अजय देवगन का गजब स्टाइल था। अक्षय कुमार, रावड़ी राठौड़ में पुलिस बने अक्षय कुमार, फिल्म में उनका डबल रोल था। आमिर खान, फिल्म तलाश में आमिर खान का जबरदस्त लुक था। अनिल कपूर, फिल्म रामलखन में अनिल कपूर का पुलिस लुक, क्या कहना। संजय दत्त भी कई फिल्मों में पुलिस वाले का किरदार निभा चुके हैं। जैकी श्रॉफ, फिल्म रामलखन में ही जैकी श्रॉफ ने भी पुलिस का किरदार निभाया था। अमिताभ बच्चन,
जंजीर। सलमान की दबंग सीरीज की पिछली दो फिल्में सुपरहिट रही हैं, तो अजय देवगन की भी सिंघम सीरीज की दोनों फिल्में भी सुपरहिट रही। लेकिन ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन बेहतर पुलिस वाले का रोल निभाता है, क्योंकि दोनों की फैन फॉलोइंग अलग है। सलमान का अपना अलग स्टाइल है तो अजय देवगन का अपना अलग स्टाइल। हॉलीवुड स्टाइल की अगर बात करें तो वहाँ कंपैरिजन नहीं होता है, बल्कि लोग मिलकर काम करते हैं। यदि दबंग सिंघम, राउडी राठौड़, सिम्बा इन सारे कैरेक्टर्स को मिलाकर एक नई फ्रेंचाइजी का निर्माण करें तो बॉलीवुड का भविष्य हॉलीवुड से बेहतर हो सकता है आने वाले भविष्य में। वैसे भविष्य में इस प्रकार के प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं। कोई ना कोई निर्देशक तो होगा जो इन फ्रेंचाइजी के एक्टर्स को लेकर एक नई मल्टी स्टारर फ्रेंचाइजी का निर्माण करे, जिस प्रकार हॉलीवुड में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, बॉलीवुड में भी हॉलीवुड की तरह मल्टी स्टारर फ्रेंचाइजी के निर्माण शुरू होने चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। सेट्टी निर्देशित फिल्म सिंघम फ्रेंचाइजी की पिछली दो फिल्मों में अजय देवगन लीड रोल में नजर आए। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। दोनों ने ही ओवरऑल 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। अब सुनने में आया है कि प्रोड्यूसर जयंती लाल गाढ़ा ने इस फिल्म के तीसरे पार्ट यानी कि सिंघम 3 के राइट्स खरीदे हैं। वे अपने बैनर तले इस फिल्म का निर्माण करेंगे। सुनने में आया है कि मेकर्स इस बार लीड रोल में अजय देवगन की जगह विद्युत जामवाल को लेने का मन बना रहे हैं। विद्युत इससे पहले बुलेट राजा में एसपी का किरदार निभा चुके हैं। इसके अलावा कमांडो फ्रेंचाइजी और बादशाहों में उन्होंने फौजी का रोल प्ले किया था। सिंघम 3 के अलावा विद्युत जल्द ही कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म में भी दिखाई देंगे। विद्युत की फिल्म जंगली अगले साल 5 अप्रैल को रिलीज होगी। सूर्या स्टारर तमिल फिल्म सिंघम 3 2017 में रिलीज हुई थी। हरी निर्देशित इस फिल्म को जयंती लाल गाढ़ा के बेटे धवल गाढ़ा ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म में श्रुति हसन और अनुष्का शेट्टी नजर आई थी। सिंघम 3 में अजय देवगन को लिया जा रहा है या फिर सनी देओल को? सिंघम 3 की कहानी क्या है? सिंघम 3 में किस हीरोइन को लिया जा रहा है? सिंघम 3 की शूटिंग कब से शुरू होने जा रही है? आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की सिंघम सीरीज में अब सनी देओल नजर आएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। भला आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या हुआ जो सिंघम जैसी हिट सीरीज से अजय देवगन ने दूरी बना ली। दरअसल यहाँ मामला कुछ और है। अब बॉलीवुड में दो सिंघम 3 बनेगी, एक जिसे रोहित शेट्टी निर्देशित करेंगे और उसमें हमेशा की तरह अजय देवगन बेहद कड़क पुलिस वाले सिंघम की भूमिका निभाएंगे। दूसरी सिंघम 3 का निर्माण जयंती लाल गाढ़ा करने वाले हैं, जिसमें सिंघम की भूमिका में सनी देओल को फाइनल कर लिया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि एक ही नाम से दो फिल्में क्यों बनाई जा रही, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। सनी देओल को लेकर बनने वाली फिल्म सिंघम 3 के को प्रोड्यूसर जयंती लाल गाढ़ा ने NewBharatTimes.com से हुई बातचीत में बताया। सबसे पहले तो मैं फिल्म के नाम को लेकर एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि लोग इसे सिंघम 3 कह रहे हैं, लेकिन हम इस फिल्म को यस 3 के नाम से रिलीज करेंगे। हमारी फिल्म यस 3 तमिल में बनी फिल्म सिंघम का तीसरा भाग है, जिसके तीनों भाग का निर्देशन हरि ने किया। तमिल में पहले भाग का नाम सिंघम था, दूसरे भाग का नाम सिंघम 2 था और तीसरे भाग का नाम यस 3 था। हम इसी तमिल में बनी यस 3 को हिंदी में बनाएंगे। जयंती लाल गाढ़ा आगे कहते हैं, हमारी फिल्म की कहानी से रोहित शेट्टी या अजय देवगन का कुछ लेना देना नहीं। हमारी फिल्म के पिछले भागों का नाम जरूर उनकी फिल्म से मिलता जुलता, क्योंकि रोहित ने पहली सिंघम तमिल में बनी फिल्म के सभी तरह के अधिकारों को लेकर बनाई थी। लेकिन जब रोहित फिल्म का दूसरा भाग बनाना चाहते थे, तब उन्हें तमिल में बनी सिंघम 2 के अधिकार नहीं मिले और उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी थी। दरअसल मैं तमिल में बनी यस 3 का निर्माता भी हूँ। मेरे साथी निर्माता ने मुझे इस फिल्म को हिंदी में बनाने का प्रस्ताव दिया और मैं भी तैयार हो गया हूँ। यस 3 में सनी देओल सूर्या की जगह कड़क और ईमानदार पुलिस वाले का किरदार निभाएंगे और फिल्म का निर्देशन के रवि चंद्रन करेंगे। फिल्म की हीरोइन के लिए अभी तक किसी से कोई बात नहीं हुई,
फिलहाल फिल्म की कहानी को हिंदी में लिखने का काम किया जा रहा है। सिंघम रिटर्न्स एक भारतीय एक्शन फिल्म जिसके निर्देशक रोहित शेट्टी। इस फिल्म का निर्माता रिलायंस एंटरटेनमेंट है। ये फिल्म 2011 में आई सिंघम नामक फिल्म की दूसरी कड़ी, जिसके मुख्य कलाकार अजय देवगन थे, जो इस फिल्म के सह निर्माता भी। इनके साथ करीना कपूर खान भी है। इसका ट्रेलर 11 जुलाई को जारी हुआ तथा ये फिल्म 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर रिलीज होने को अनुसूचित तथा ये फिल्म दर्शकों के अनुसार इस फिल्म ने खूब धमाल मचाया और इस फिल्म ने भारत की बड़ी फिल्मों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया। भारत की चौथी पहले दिन में सर्वाधिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली फिल्में बन गई। अनुष्का शेट्टी ने क्यों ठुकरा दी थी अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फिल्म सिंघम? अजय देवगन और रोहित शेट्टी की सुपरहिट जोड़ी ने साल 2011 में सिंघम नाम की एक फिल्म बनाई जिसने उस साल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इसके बाद आज सिंघम एक फिल्म सीरीज का रूप ले चुकी है और दर्शक सिंघम की तीसरी कड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सिंघम के 7 साल पूरे हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंघम में अजय देवगन के साथ काजल अग्रवाल ने मुख्य किरदार निभाया, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि काजल इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थी। असल में सिंघम ने निर्माता साउथ अदाकारा अनुष्का शेट्टी को सिंघम में लेना चाहते थे, जिसके लिए अनुष्का से बात की गई थी। हालांकि निर्माताओं और अनुष्का के बीच फिल्म की फीस को लेकर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, जिस कारण अनुष्का अजय देवगन के साथ सिंघम में दिखाई नहीं दी। जब अनुष्का और सिंघम निर्माताओं की बात नहीं बन पाई तो मीडिया में उस समय कई सारी खबरें लिखी गई और बताया गया कि अनुष्का ने ये फिल्म साइन क्यों नहीं की। हालांकि उसके थोड़े समय बाद अनुष्का ने खुद मीडिया को बताया कि सिंघम साइन न करने की असली वजह क्या थी। इसके बाद जो गलत खबरें लिखी गई थी उनसे पर्दा उठा। बता दें कि सिंघम रिटर्न्स में अजय देवगन के साथ करीना कपूर खान दिखाई दी थी। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी। इसके बाद अब सिंघम के निर्माता इसका तीसरा भाग बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि उसकी कास्टिंग से भी पर्दा नहीं उठाया गया है। देखना होगा कि सिंघम 3 में अजय देवगन के अपोजिट कौन सी अदाकारा दिखाई देगी। डायरेक्टर रोहित शेट्टी के द्वारा बनाई गई सिंघम अभी भी लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है। इसका एकमात्र कारण फिल्म के मुख्य किरदार बाजीराव सिंघम का निडर स्वभाव है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभाने वाले प्रकाश राज ने उस समय मीडिया को बताया था कि मैं डार्क सिनेमा करके बोर हो चुका हूँ, लेकिन सिंघम वैसी फिल्म नहीं है। आइए आपको सिंघम की 7वीं सालगिरह पर इसके 5 अनजाने तथ्य बताते। अजय देवगन का एंट्री सीन डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने पंचगानी में शूट किया, जहां रात में तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला गया। इस सीन की शूटिंग के समय जहां फिल्म का क्रू जैकेट और स्वेटर पहने हुआ था, वहीं अजय देवगन बिना कुछ पहने ठंडे पानी में नहाकर निकल रहे थे। ये साल 2010 में बनी तमिल फिल्म सिंघम का हिंदी रिमेक ओरिजिनल सिंघम में सूर्या के साथ प्रकाश राज और अनुष्का शेट्टी ने काम किया। प्रकाश राज ने हिंदी सिंघम में भी खलनायक की भूमिका निभाई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले सिंघम में काजल अग्रवाल नहीं बल्कि साउथ हीरोइन अनुष्का शेट्टी काम करने वाली थी, लेकिन उन्होंने कुछ कारणों के चलते इस फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अनुष्का ने मीडिया को बाद में बताया था, मैंने सिंघम क्यों नहीं की। हिंदी मीडिया ने काफी कुछ लिखा, लेकिन जब अनुष्का ने बताया मैंने इस फिल्म को क्यों छोड़ा तो सभी लोगों के मुंह बंद हो गए। हिंदी सिनेमा के जाने माने कलाकार अशोक सराफ ने इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में 9 साल के बाद वापसी की थी। सिंघम से पहले उन्होंने साल 2002 में कुछ तुम कहो कुछ हम कहें जैसी फिल्में की थी। फिल्म सिंघम को रोहित शेट्टी ने मात्र 20 करोड़ रुपए में बनाया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए की कमाई की। अजय देवगन और काजल अग्रवाल स्टारर सिंघम उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी। डायरेक्टर रोहित शेट्टी की नई फिल्म सिम्बा साल 2018 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। इसमें रणवीर सिंह पहली बार एक पुलिस अफसर के रूप में नजर आएंगे और उनकी हीरोइन के तौर पर सारा अली खान दिखाई देंगे। हाल ही में रणवीर सिंह और सारा अली खान स्टार सिम्बा का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों ने दिल खोल कर प्यार दिया। बता दें फिल्म सिम्बा रणवीर सिंह के करियर की पहली ऑन एंड आउट मसाला एंटरटेनर है। इसमें वो रोहित शेट्टी के हीरो बने हैं, जो गुंडों की जमकर हड्डियां तोड़ता और उनकी नानी याद दिलाता है। रणवीर सिंह के साथ साथ उनके फैंस को भी सिम्बा से काफी सारी उम्मीदें।
देखना होगा कि ये फिल्म उन पर कैसी उतरती। हालांकि फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर से बने उत्साह को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि दर्शक सिम्बा देखने के लिए उत्साहित तो हैं ही। अजय देवगन ने सिंघम के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर बॉक्स ऑफिस पर मोटी कमाई की थी। अब उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए रोहित शेट्टी ने एक नया सिंघम उतार दिया है रणवीर सिंह के रूप में। इस ट्रेलर में अजय देवगन को भी दिखाया गया है। ट्रेलर में साफ दिख रहा है कि अजय देवगन को देखकर एक छोटा सा बच्चा पुलिस वाला बनना चाहता है और वो बन भी जाता है। और ट्रेलर के एंड में अजय देवगन की फिर से री एंट्री, क्या हो सकती है कहानी? ट्रेलर को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये मल्टी स्टारर फिल्म हो जिसमें अजय देवगन भी है और रणवीर सिंह भी। लेकिन ट्रेलर में रणवीर सिंह के हाथ पर एक जगह पुलिस लिखा हुआ है, उसे देखकर तो यही लगता है कि उसके अंदर कितनी बड़ी दीवानगी है पुलिस को लेकर। रणवीर सिंह गुंडों के पीछे भागते हुए आला रे आला सिम्बाला में एकदम जबरदस्त लुक में नजर आ रहे हैं। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग गोवा में हुई है, लेकिन इस फिल्म की कहानी क्या सिंघम से जुड़ी हुई है या सिंघम के आगे की कहानी है या फिर उससे अलग, ये तो फिल्म के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये फिल्म साउथ इंडस्ट्री की सुपरहिट फिल्म टेम्पर का रिमेक है। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और काजल अग्रवाल थी। इस फिल्म का बजट 35 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर कमाई 74.3 करोड़। लेकिन सिम्बा के ट्रेलर को देखकर तो यही लगता है कि इसकी स्टोरी टेम्पर की तरह ही है, बस कुछ चीजें ही अलग हैं। फिल्म का प्लॉट एकदम टेम्पर की तरह ही है। टेम्पर में भी एक बच्चा पुलिस वाला बनना चाहता है, लेकिन वो पुलिस वाला देश की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए। वो जिस शहर में भी जाता है, जिस थाने में भी जाता है, वहाँ पे घूस लेना चालू कर देता है। इसी बीच उसे एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक लड़की के साथ रेप हो जाता है और वो हीरो को अपना भाई मानती है और अपनी इस मुंह बोली बहन को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता देख उसका दिल पिघल जाता है और वो कसम खा लेता है कि वो रेपिस्ट को नहीं छोड़ेगा, उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाकर ही दम लेगा। तो सिम्बा के ट्रेलर में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ अलग है तो वो ये अजय देवगन की एंट्री शुरुआत में और लास्ट में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये उठती है कि रणवीर सिंह पुलिस वाले कैरेक्टर के साथ न्याय कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि इससे पहले भारतीय सिनेमा में एक से बढ़कर एक पुलिस वाले रोल देखने को मिल चुके हैं, जैसे कि अजय देवगन। अजय देवगन ने ऐसे पुलिस का रोल निभाया है कि मानो कि वो अगर एक एक्टर न होते तो किसी बड़े अधिकारी वाले रैंक पोस्ट पर होते। उन्होंने फिल्म सिंघम, सिंघम 2, गंगाजल, दीवाने, संडे, इंसान और कुछ फिल्मों में शानदार पुलिस वाले का अभिनय किया है जो कि एक यादगार है। उसके बाद नाम आता है सनी देओल। सनी देओल ने फिल्म इंडियन में दमदार पुलिस वाले का रोल निभाया था। उसके बाद नाम आता है सरफरोश। सरफरोश में आमिर खान ने भी पुलिस वाले का एक मजबूत कैरेक्टर निभाया था। और इसके बाद एक और नाम है इस लिस्ट में, ओमपुरी। ओमपुरी ने अर्ध सत्य में एक ऐसे पुलिस वाले का रोल निभाया था जो कि आज तक लोगों की जुबान पर है। उसके बाद नाम आता है इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का। फिल्म जंजीर में उनके पुलिस वाले किरदार को कौन भूल सकता है। उसके बाद खाकी में, और इस लिस्ट में एक और नाम शुमार है जिन्हें पुलिस के रोल के लिए कोई नहीं भूल सकता, और वो नाम है नाना पाटेकर का। नाना पाटेकर की तिरंगा और अब तक 56 में। नाना पाटेकर ने ऐसे पुलिस वाले का किरदार निभाया मानो कि वो वाकई पुलिस वाले हो। तो दोस्तों, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि रणवीर सिंह एक नया कीर्तिमान बना पाते हैं पुलिस वाले के रोल में या नहीं, जैसा कि उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में बनाया है। हम आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है। इसमें रणवीर सिंह एसीपी संग्राम भाले राव का किरदार निभा रहे हैं, सारा अली खान प्रिया बख्शी का, सोनू सूद विक्रांत कदम का, अजय देवगन कैमियो एज अ बाजीराव सिंघम, आशुतोष राणा सीनियर इंस्पेक्टर कदम का, सिद्धार्थ जाधव इंस्पेक्टर गणेश तावड़े का, और इस फिल्म में अक्षय कुमार का भी एक कैमियो रोल है। उनके अलावा तुषार कपूर, कुणाल खेमू, श्रीस्थल पड़े और अरशद वारसी का भी, और इसमें एक आइटम सॉन्ग भी है जिसमें सनी लियोन ठुमकते हुए नजर आएंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रणबीर कपूर, रोहित शेट्टी, अजय देवगन इस फिल्म को टेम्पर की तरह सुपर डुपर हिट बना पाएंगे या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशंस।
का इतना दम कि वो कर दे अजय देवगन को सिंघम 3 में रिप्लेस। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम सिंघम की बात करते हैं तो हमारे जहन में बस एक ही तस्वीर झलकती है और वो तस्वीर है अजय देवगन की। और हम यकीनन किसी और को ये भूमिका निभाते देख कबूल नहीं कर सकते। हालांकि हमारे पास सिंघम नाम की एक और फिल्म है। दोस्तों, यहाँ हम तेलुगु की हिट फिल्म सिंघम 3 की बात कर रहे हैं। दरअसल पैन एंटरटेनमेंट के जयंती लाल गाड़ा ने तेलुगु हिट फिल्म सिंघम 3 के राइट्स खरीदे हैं, जिससे कि वो हिंदी में उसका रीमेक बना सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्युत जामवाल इस रोल को निभा सकते हैं, जिन्होंने इनके साथ पहले ही कमांडो की सीरीज की है। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म का अजय देवगन की सिंघम से कोई ताल्लुक नहीं होगा। बात करें कमांडो की तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहां विद्युत ने कमांडो 1 और 2 में अपने एक्शन स्किल दिखाकर फैंस के दिल जीत लिए थे, तो वहीं खबर है कि विद्युत फिर से अपने फैंस के दिल जीतने और फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए जल्द ही बिग स्क्रीन पर कमांडो 3 से वापसी करेंगे। दोस्तों, अगर बात रही अजय देवगन को रिप्लेस करने की तो ये तो गारंटीड है कि कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो उनके अभिनय, एक्शन और टशन को रिप्लेस कर सके। बात करें सिंघम 3 की तो वो बेशक बनेगी और किसी भी फिल्म का रीमेक नहीं होगी, बिल्कुल ही ओरिजिनल स्टोरी होगी। वैसे दोस्तों, फिलहाल रोहित शेट्टी अक्षय कुमार के साथ सूर्यवंशी की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी एक झलक फिल्म सिम्बा के अंत में दिखाई भी गई थी। तो दोस्तों, आप विद्युत के एक्शन और टशन को फिर से देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं? अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। हेलो दोस्तों, मैं अवध और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई पेशकश में। जी हाँ दोस्तों, सुई धागा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 वरुण धवन और अनुष्का शर्मा की सुई धागा सुपरहिट 3 दिन में निकाली लागत। अनुष्का शर्मा और वरुण धवन स्टारर फिल्म सुई धागा बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हो चुकी है। फिल्म ने 3 दिन में न सिर्फ अपनी लागत निकाली बल्कि मुनाफा भी कमा लिया है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक रविवार को फिल्म ने 16 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई कर डाली। मालूम हो कि शुक्रवार यानी रिलीज के पहले दिन ही फिल्म ने 8 करोड़ का बिजनेस किया था। ऐसे में शुक्रवार के मुकाबले रविवार को फिल्म की कमाई दोगुनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया कैंपेन पर आधारित फिल्म सुई धागा की लागत 30 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। महज 3 दिनों में फिल्म ने 36.50 करोड़ का शानदार बिजनेस कर डाला है। शुक्रवार को फिल्म ने 8 करोड़, शनिवार को 11.50 और रविवार को 16 करोड़ रुपए बटोरे। वैसे रविवार के बाद उम्मीद है कि सुई धागा को गांधी जयंती की छुट्टी का भी फायदा मिलेगा। इसे लगभग 2200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। वरुण धवन की फिल्में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने लगी हैं, जिसमें जुड़वा 2, बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी फिल्में शामिल हैं। सुई धागा इस हफ्ते रिलीज हुई अन्य फिल्मों से बड़ी फिल्म है, इसीलिए आने वाले वीक में भी ज्यादा कमाई की उम्मीद है। ये फिल्म युवाओं से ज्यादा फैमिली ऑडियंस को काफी अट्रैक्ट करती है। फिल्म के बारे में बात करें तो सुई धागा के डायरेक्टर शरद कटारिया दम लगा के हईशा के बाद फिर से देसी कहानी लेकर लौटे हैं। दम लगा के हईशा में एक अलग ही दुनिया रचने वाले शरद कटारिया सुई धागा में वो पैमाना नहीं ला सके जिसकी उम्मीद उनसे की जा रही थी। वरुण धवन और अनुष्का शर्मा ने किरदारों को पर्दे पर निभाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन उनके साथ उस तरह का कनेक्शन नहीं बन पाता है जैसे दम लगा के हईशा के आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर के साथ बना था। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशंस।
प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। रोहित शेट्टी और अजय देवगन फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन जोड़ियों में से एक हैं। हाल ही में रिलीज हुई गोलमाल अगेन उनकी एक साथ 10वीं फिल्म है और ऐसा सोचा जा रहा था कि इतने लंबे समय तक एक साथ काम करने के बाद अब ये एक दूसरे से ब्रेक लेके, पर नहीं, ये धमाकेदार जोड़ी एक बार फिर से पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए तैयार है। रोहित शेट्टी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सिंघम और सिंघम रिटर्न्स को पब्लिक ने बेहद पसंद किया है और पब्लिक के इतने अच्छे सपोर्ट और प्यार के बाद अब रोहित शेट्टी सिंघम फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाते हुए सिंघम 3 बनाएंगे। रोहित शेट्टी ने इस बात की पुष्टि की है कि जो दर्शक देखना चाहेंगे वो उन्हें जरूर मिलेगा। सिंघम और सिंघम रिटर्न्स के लिए जो प्यार मुझे पब्लिक से मिला है उसने मुझे सिंघम 3 बनाने के लिए प्रेरित किया है। निर्देशक ने सिंघम के बारे में सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया है, पर फिल्मों को लेकर अफवाहों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। ऐसा सुनने में आया था कि अजय देवगन की जगह सनी देओल को कास्ट किया गया है। कुछ महीनों पहले ये अफवाह थी कि जयंतीलाल गांडा ने सिंघम के लिए सनी देओल को कास्ट कर लिया है, लेकिन रोहित शेट्टी ने इस अफवाह को दूर करते हुए कहा है कि हम एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि बॉलीवुड सिंघम की फ्रेंचाइजी से रिलेटेड सभी कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, टाइटल्स पूरी तरह रिलायंस एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हैं और किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस का इसमें कोई सपोर्ट नहीं है। सिंघम एक बहुत बड़ा ब्रांड है और हाँ, हम इसे बनाना चाहते हैं, इसलिए हम सिंघम 3 बना रहे हैं। हम अपनी पूरी लाइफ सिंघम 3 और गोलमाल 5 जैसी फिल्मों को डेडिकेट करना चाहते हैं। हम दर्शकों और उनके एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में बना रहे हैं। सिंघम और सिंघम रिटर्न्स के लिए जो प्यार पब्लिक से मिला है उसने मुझे सिंघम 3 बनाने के लिए प्रेरित किया है। सिंघम 3 को लेकर अफवाह है कि रोहित शेट्टी ने सिंघम 3 में अजय देवगन की जगह सनी देओल को लिया है, पर हकीकत तो ये है कि ये दोनों अलग फिल्में हैं, सिंघम 3 और S3। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में अब 2 सिंघम होंगे। पहली सिंघम 3 जिसको डायरेक्ट रोहित शेट्टी करेंगे और जिसमें अजय देवगन अपने पहले के कड़क पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखेंगे, और दूसरी S3 जिसको जयंतीलाल गांडा बनाएंगे। इसके लिए सिंघम के रोल में सनी देओल को कास्ट किया गया है। जयंतीलाल गांडा ने अफवाहों को साफ करते हुए नवभारत टाइम्स के एक इंटरव्यू में कहा है, सबसे पहले मैं फिल्मों के नाम को लेकर साफ कर देना चाहता हूं कि लोग इसे सिंघम 3 के नाम से कह रहे हैं, लेकिन इसे हम S3 के नाम से रिलीज करेंगे, जो तमिल सिंघम फ्रेंचाइजी का 3rd पार्ट है। फिल्म के प्लॉट के बारे में बात करते हुए कहा गया है कि फिल्म की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश की एक राज्यसभा से, जिसमें बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, जहां विशाखापट्टनम शहर के पुलिस कमिश्नर की हत्या के मामले पर चर्चा हो रही है, जहां आंध्र प्रदेश के होम मिनिस्टर सत्ता नारायणा का प्रस्ताव है कि लंबे मामले को सुलझाने के लिए, लॉ की देखरेख करने के लिए तमिलनाडु के DCP दुर्रई सिंघम को बुलाया जाए। शुरुआत में रेलवे स्टेशन पर सिंघम पर माधव सुदन रेड्डी के लोगों ने हमला किया। इससे निपटने के बाद दुर्रई सिंघम ने विशाखापट्टनम पुलिस बल के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने का दावा किया और ऐसा शो किया कि वो केस को लेकर सीरियस नहीं है। बॉलीवुड साउथ फिल्म इंडस्ट्री से काफी प्रभावित है, तमिल, तेलुगु, मलयाली और कन्नड़ सिनेमा, और ये अब तक जारी है। 2011 में रोहित शेट्टी और अजय देवगन एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की कहानी लेकर एक साथ आए बाजीराव सिंघम। ये फिल्म तमिल ब्लॉकबस्टर सिंघम थी, जिसमें सूर्या ने सिंघम का किरदार अदा किया है। सिंघम और सिंघम रिटर्न्स भी तमिल फिल्म की रीमेक है। फिल्म के बारे में बात करते हुए सूत्रों से पता चला है कि जब सनी देओल ने इस मूवी को देखा था तो वो इस कैरेक्टर से इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने तुरंत ही फिल्म के लिए हाँ कर दी और साल के आते आते शूटिंग भी शुरू हो गई। बॉलीवुड में अब एक नहीं, 2 सिंघम आमने सामने होंगे और जमकर मुकाबला होगा, पर देखने वाली बात ये है कि मुकाबले में कौन जीतता है। सिंघम 3 को स्पाई थ्रिलर मूवी के तौर पर क्यों बनाया जा रहा है? इस फिल्म को सिंघम, सिंघम रिटर्न से भी बड़ी फिल्म क्यों माना जा रहा है? फिल्म का बजट 300 से 400 करोड़ क्यों रखा गया? और इस फिल्म का कनेक्शन इंटरनेशनल से कैसे है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिल्म सिंघम 3 के बारे में। रोहित शेट्टी और अजय देवगन ने कई सुपरहिट फिल्में एक साथ की हैं और सिंघम लोकप्रिय सीरीज है। इसके दोनों भाग बेहद सफल रहे थे। अजय और रोहित ने लंबे समय से साथ काम नहीं किया है, लेकिन अब वो साथ काम करने जा रहे हैं। रोहित की पिछली फिल्म दिलवाले और अजय की शिवाय बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। ऐसे में जरूरी है कि ये जोड़ी फिर साथ काम करे। रोहित और अजय का मानना है कि सिंघम के रूप में अजय बेहद लोकप्रिय है। ये ऐसी सीरीज है कि जिसकी फिल्म दर्शक देखना चाहते
करते हैं। अजय इसमें एक ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका निभाते हैं। पुलिस की ये फिल्म छवि भी उज्जवल करती है। सिंघम 3 में अजय देवगन नए विलेन से जूझते नजर आएंगे। अजय और रोहित के फैंस ये जानकर खुश हो सकते हैं कि दोनों ने सिंघम 3 की प्लानिंग कर ली है। फिलहाल स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा है और 2018 के एंड तक शूटिंग शुरू कर दी जाएगी और फिल्म को 2019 में रिलीज किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से जब से ये खबर आई है कि सनी देओल अब बड़े पर्दे पर सिंघम बनकर आने वाले हैं, इस तरह की खबरें आई हैं सनी देओल ने अजय देवगन की जगह ली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंघम का तीसरा भाग बनाया जाएगा और बॉलीवुड के असली सिंघम यानी कि अजय देवगन ही इसके हीरो होंगे। अजय देवगन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि रोहित शेट्टी के निर्देशन में 2011 और 2014 में बन चुके सिंघम का तीसरा भाग बनाया जाएगा और सिंघम 3 में लीड रोल वही करेंगे। रोहित इन दिनों स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और जैसे ही वो तैयार हो जाएगी फिल्म शुरू की जाएगी। अजय ने इस कंफ्यूजन को भी दूर किया कि सिंघम के तीसरे भाग में उनकी जगह सनी देओल ने नहीं ली है, वो फिल्म अलग है। 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल का रौद्र रूप अक्सर ही बड़े पर्दे पर देखा गया है। घायल रिटर्न्स के बाद अब वो एक और एक्शन फिल्म में काम करने जा रहे हैं जिसमें वो पुलिस अफसर की भूमिका में होंगे। रिपोर्ट्स की माने तो 6 अगस्त को ही बता दिया था कि सनी देओल फिल्म एसरी नाम की फिल्म में काम करने जा रहे हैं। ओके जानू, माय नेम इज खान और गजनी जैसे फिल्मों के सिनेमेटोग्राफर रवि के चंद्रन पहली बार इस फिल्म से हिंदी के डायरेक्शन की कमान संभालने जा रहे हैं। फिल्म S3 इस नाम से तमिल में भी बन चुकी है। साउथ की इस फिल्म में सूर्या, श्रुति हसन और अनुष्का शेट्टी ने काम किया था। जयंती लाल गड़ा इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं और तीसरे भाग को हिंदी में सनी देओल के साथ बनाया जाएगा। सनी को पहली बार में ही कहानी पसंद आई है और उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए तुरंत सहमति दे दी। इस फिल्म की शूटिंग इसी साल के अंत में शुरू होगी। तमिल की S3 में विलेन का रोल निभाने वाले ठाकुर अनूप सिंह ही हिंदी में भी खलनायक होंगे। सिंघम 2011 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया, अजय देवगन, काजल अग्रवाल और प्रकाश झा लीड रोल में नजर आए। ये फिल्म 2010 में तमिल फिल्म सिंघम का हिंदी रूपांतरण है जिसमें सूर्य ने मुख्य भूमिका अदा की थी। फिल्म का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया जिन्होंने तमिल फिल्म का सह निर्माण किया था। फिल्म को 22 जुलाई 2011 को रिलीज किया गया। बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म सिंघम याद तो होगी ही। इस फिल्म में अजय देवगन की जबरदस्त एक्शन को दर्शकों ने खूब पसंद किया। सिंघम की सफलता को देखकर फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी ने सिंघम 2 भी रिलीज किया जो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। अब रोहित शेट्टी अगली फिल्म सिंघम 3 बनाने जा रहे हैं। अजय देवगन की फिल्म सिंघम और सिंघम 2 में उनकी हीरोइन अलग अलग थी, अब फिल्म सिंघम 3 में भी हीरोइन बदल चुकी है। खबरों के मुताबिक अब रोहित शेट्टी सिंघम 3 में किसी नए चेहरे को कास्ट करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं फिल्म सिंघम 3 में कौन सी लड़की अजय देवगन की हीरोइन होगी। खबरों के अनुसार जिस एक्ट्रेस को रोहित शेट्टी कास्ट करना चाहते हैं उस लड़की का नाम है हुमा कुरैशी। हुमा कुरैशी बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत और हॉट अभिनेत्रियों में शामिल है। हुमा कुरैशी अपनी अदाओं से बॉलीवुड में खास पहचान बना चुकी हैं। हालांकि फिल्म सिंघम 3 के लिए किसी एक्ट्रेस को अभी तक कास्ट नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि रोहित शेट्टी इस मूवी के लिए हुमा कुरैशी को अजय देवगन की हीरोइन के रूप में लेना चाहते हैं। इसके लिए हुमा कुरैशी से बातचीत चल रही है। अब देखना ये होगा कि सिंघम की हीरोइन कौन होती है। साल 2011 में आई अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फिल्म सिंघम को पूरे 7 साल हो गए हैं। अजय की उस साल आई उन फिल्मों में से सबसे प्रॉफिटेबल फिल्म यही साबित हुई थी। इस फिल्म में उनकी हीरोइन काजल अग्रवाल थी, वहीं प्रकाश राज ने फिल्म में विलेन का रोल निभाया था। इसके 7 साल पूरे होने पर हम आपको बता रहे हैं फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। सिंघम साल 2010 में इसी नाम से आई तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक थी। तमिल फिल्म में सूर्या और अनुष्का शेट्टी थी। सबसे मजेदार बात ये रही कि इसके तमिल और हिंदी वर्जन दोनों में विलेन की भूमिका प्रकाश राज ने निभाई थी। सिंघम उस साल की सबसे हिट फिल्मों में शुमार थी और कंट्रोवर्सी के मामले में ये फिल्म पीछे नहीं थी। फिल्म में कन्नड़ लोगों पर किए गए कमेंट्स के कारण इसे लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। कर्नाटक के कई सिनेमा घरों ने इस फिल्म को दिखाने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि जब तक फिल्म से वो डायलॉग नहीं हटाए जाएंगे तब तक वो फिल्म रिलीज नहीं होगी। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदस्यों ने फिल्म के सेट पर आकर प्रदर्शन किया था। सदस्यों का फिल्म को प्रोड्यूस कर रही रिलायंस एंटरटेनमेंट पर आरोप था कि उन्होंने लोगों से काम करवा कर उनकी पेमेंट रोक रखी है। रिलायंस को इन लोगों को 45 लाख पेमेंट करना था। रोहित शेट्टी की सिंघम 20 करोड़ के छोटे बजट में बनी थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के झंडे गाड़ गई। इस एक्शन मसाला फिल्म ने 140 करोड़ की कमाई की थी। 2011 में आई अजय देवगन स्टारर फिल्म सिंघम ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था।
फिल्म के डायलॉग्स आतामा जी सटकली से लेकर अजय देवगन के अवतार और धुआंधार फाइट सीन्स तक सभी को जनता के मन में ऐसा बसा कि आज इस फिल्म के रिलीज के 7 साल बाद भी लोगों को इसे देखने से मन नहीं भरता। लेकिन फिल्म सिंघम के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद आपको पता नहीं होगी, जैसे कि इस फिल्म की हीरोइन काजल अग्रवाल से पहले फिल्म बाहुबली की एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी को हीरोइन का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन अनुष्का ने इस रोल को करने से मना कर दिया था। बाद में रोहित ने अपनी फिल्म में काजल अग्रवाल को लिया। दिलचस्प बात ये भी है कि फिल्म सिंघम को मात्र 20 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, लेकिन इस फिल्म ने 140 करोड़ का कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। दर्शकों को ये फिल्म बेहद पसंद आई थी और इसीलिए सीक्वल बनाया जा रहा है सिंघम 3 के नाम से। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस क्लब छोटा नजर आने लगा है। सिनेमा जगत में अब 100 करोड़ क्लब से ज्यादा 300 करोड़ क्लब की अहमियत बढ़ने लगी है। बता दें कि किसी भी एक्टर की फिल्म आसानी से 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाती है। हाल ही में रिलीज हुई संजय दत्त की बायोपिक फिल्म संजू ने 300 करोड़ के आंकड़े को छुए शानदार रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, आज हम आपको आने वाली 6 फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो सुपरहिट फिल्म संजू का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो पहली फिल्म है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। बॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने साल 2012 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा कर रख दिया था। बता दें कि 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सीक्वल रिलीज होने वाला है। सीक्वल में अभिनेता टाइगर श्रॉफ और अनन्या पांडे मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। अगली फिल्म है टोटल धमाल। टोटल धमाल फिल्म से अजय देवगन के साथ माधुरी दीक्षित फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय बाद वापसी कर रही हैं। अजय देवगन और माधुरी दीक्षित की फिल्म टोटल धमाल रिलीज से पहले ही सुर्खियां बटोर रही हैं। बता दें कि माधुरी दीक्षित 17 साल बाद फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कर रही हैं। टोटल धमाल फिल्म कॉमेडी पर आधारित सुपरहिट फिल्म साबित होगी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मिस्टर परफेक्शनिस्ट अभिनेता आमिर खान बॉक्स ऑफिस के बड़े रिकॉर्ड को अपने नाम कर रखे हैं। आमिर खान की अपकमिंग फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान की हिट फिल्म दंगल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। बता दें कि बॉलीवुड की फिल्मों में आमिर खान की फिल्म दंगल ने सबसे अधिक कमाई की है। अगली फिल्म है जीरो। बॉलीवुड इंडस्ट्री के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म जीरो इसी साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म जीरो में बौने व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्म जीरो दर्शकों के लिए बेहद इंतजार का विषय बनी हुई है। अगली फिल्म है रोबोट 2.0। रोबोट 2.0 को सिनेमा जगत की सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा है। रोबोट 2.0 को महंगे बजट से बनाया गया है। बता दें कि इसी साल नवंबर में 2.0 रिलीज होने वाली है। ये फिल्म कमाई के मामले में सभी रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। अगली फिल्म है सिम्बा। रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म सिम्बा इसी साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। रणवीर सिंह पहली बार किसी कॉमेडी फिल्म में काम कर रहे हैं। युवाओं के चहेते अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा रिलीज से पहले ही सुर्खियां बटोर रही हैं। बता दें कि रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा फिल्म इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर फिल्म भी बन सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन 6 फिल्मों में सबसे ज्यादा कौन सी फिल्म कलेक्शन करेगी? हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि आखिर वरुण धवन शाहरुख खान की फिल्म में क्यों नहीं काम करना चाहते और लिटिल सिंघम पार्ट 2 क्या है। इसके अलावा मैंने बात की थी कि आखिर रोहित शेट्टी और अजय देवगन की जोड़ी कहां से बनी, किस फिल्म से इनकी कहानी शुरू हुई थी। तो उसको आज आगे कंटिन्यू करते हैं। बात करेंगे सिंघम 3 की कहानी क्या है और फिल्म कितना कलेक्शन करेगी अपने पहले दिन। रणबीर कपूर शाहरुख खान की फिल्म डॉन 3 में क्यों नहीं काम करना चाहते। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, रोहित शेट्टी और अजय देवगन ने काफी समय से साथ में काम नहीं किया। हालांकि रोहित की दिलवाले फिल्म और अजय देवगन की शिवाय फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। अब ऐसे में वक्त आ गया कि इन दोनों को साथ काम करना चाहिए। हालांकि अनाउंसमेंट हो चुकी है कि सिंघम 3 बहुत जल्द शुरू हो जाएगी और फिल्म की शूटिंग भी शुरू होगी। लेकिन दोस्तों, रोहित शेट्टी की ना एक बहुत बुरी आदत है, या यूं कहें कि अच्छी आदत भी है, कि अगर उनके साथ कोई भी काम कर ले एक बार तो वो अपनी हर फिल्म में उसको कास्ट करते हैं। अगर आपने सिंघम और सिम्बा देखी होगी तो आप समझ ही गए होंगे। रोहित शेट्टी ने अजय देवगन के साथ काम किया, शाहरुख खान के साथ काम किया, यहां तक कि रणवीर सिंह के साथ भी हिट फिल्म दे चुके हैं। लेकिन डायरेक्टर्स का मानना है, यहां तक कि रोहित शेट्टी का खुद का मानना है कि
अजय देवगन उनकी जिंदगी में सबसे खास है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। रोहित शेट्टी इन दिनों बिजी है अपने प्रोडक्शन तले बन रही फिल्म लिटिल सिंघम पार्ट 2 लाने में। उसे डायरेक्ट करेंगी फराह खान। ये एक एनिमेशन सीरीज है। इसके बारे में मैंने बाकी की इन्फॉर्मेशन अपनी पहली वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूं। बात करते हैं आगे सिंघम 3 की। रोहित शेट्टी ने जब से फिल्मों की अनाउंसमेंट की है, सिंघम 3 की, गोलमाल 5 की, यहां तक कि सूर्यवंशी की, तब से इस बात को जानने के लिए पब्लिक एक्साइटेड है कि कौन सी फिल्म सबसे पहले रिलीज होगी और कौन सी बाद में, और रिलीज कब होगी। तो इस बात को रोहित शेट्टी ने क्लियर करते हुए कहा कि सबसे पहले वो सूर्यवंशी डायरेक्ट करेंगे और उसे रिलीज करेंगे। हालांकि कब होगी ये अभी इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की है। कहा जा रहा है कि ये 2020 में आएगी और उस फिल्म में अक्षय कुमार है, ये बात तो आप सभी जानते हैं। खबर आई थी कि अक्षय कुमार उस फिल्म में भी एक सटके हुए और राउडी पुलिस के किरदार में दिखेंगे, लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि उसमें सीधे साधे और ईमानदार पुलिस के रोल में दिखेंगे और उसमें अजय देवगन कैमियो भी करेंगे। डबल डोज ये है कि जब सिंघम 3 बनेगी तो उसमें अक्षय कुमार का कैमियो होगा। अब कैसे रोहित शेट्टी अदला बदली करते हैं, किस सीन में लाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों 2017 में एक न्यूज आई थी कि सनी देओल सिंघम 3 में कास्ट किए गए हैं। जब ये आपने न्यूज सुनी होगी तो आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि सिंघम जैसी हिट सीरीज से अजय देवगन दूरी बना ले। दरअसल मामला कुछ और था। हमारे बॉलीवुड में दो सिंघम बनने जा रही थी, पहली जिसे डायरेक्ट करते हैं रोहित शेट्टी और दूसरी जो बनने वाली थी उसे डायरेक्ट करने वाले थे जयंती लाल गड़ा, जिसमें लीड रोल में थे सनी देओल। सनी देओल जिस फिल्म को करने जा रहे हैं वो साउथ की फिल्म है, साउथ में उसका नाम है SI3। जब सनी देओल ने इस फिल्म को साइन किया था तब अजय देवगन को उन्होंने फोन किया कि आप इस नाम को ना यूज करें किसी भी फिल्म में वगैरह वगैरह, और फिर अजय देवगन ने भी बात मान ली, कहा कि ठीक है मैं यूज नहीं करूंगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा, आता माजी सटकली जैसे डायलॉग सनी देओल कैसे लेते हैं या फिर वो कुछ अपना नया स्टाइल लेकर आते हैं। दोस्तों खबर तो ये भी है कि लव रंजन जिन्होंने कार्तिक आर्यन की लाइफ ही बना दी, उन्होंने प्यार का पंचनामा, सोनू के टीटू की स्वीटी जैसी कई फिल्में उनके साथ दी हैं, वो अजय देवगन और रणबीर कपूर के साथ एक फिल्म बनाने की सोच रहे हैं। अब फिल्म कौन सी होगी, कब बनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो रणबीर कपूर छाए हुए हैं बॉलीवुड में जब से उनकी फिल्म संजू रिलीज हुई है। लेकिन अजय देवगन और रणबीर कपूर की जोड़ी आखिरी बार नजर आई थी राजनीति फिल्म में, वो जो कि 2010 में आई थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रकाश झा ने। दोस्तों खबर आई थी कि शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड सीरीज या हिट सीरीज में रणबीर कपूर नजर आने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉन की। रणबीर कपूर को ये फिल्म ऑफर की गई थी लेकिन रणबीर कपूर ने फिल्म ठुकरा दी। एक्चुअली में जो डेट्स चाहिए थी मेकर्स को वो डेट्स ऑलरेडी ब्लॉक थी रणबीर कपूर की, और रणबीर कपूर ने इसलिए भी फिल्म में काम करने से मना कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि अभी ऐसी फिल्मों में काम करने का सही वक्त नहीं है। हालांकि आने वाले कुछ समय बाद मैं जरूर ऐसी फिल्मों में काम करूंगा। डॉन वही जो 2006 में रिलीज हुई थी, अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन की रीमेक थी। आफ्टर दैट 2011 में डॉन 2 बनाई गई। उस फिल्म के एंड में दिखाया गया कि डॉन 3 भी बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन 8 साल बीत गए और फिल्म अभी तक चर्चाओं में है। कब बनेगी इसकी कोई भी खबर सामने नहीं आई है और ना ही फिल्म की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है। शाहरुख खान बहुत चूजी हो गए हैं फिल्मों को लेके, अब वो भी आमिर खान की तरह हो गए हैं। दरअसल ये होना भी चाहिए क्योंकि करियर दाव पे लगा है, उनकी लगातार फिल्में फ्लॉप पे फ्लॉप जा रही हैं और अभी ऐसे कदम ना उठाएंगे तो कब उठाएंगे। बात करते हैं कि सिंघम 3 की कहानी क्या होगी। तो जैसा कि हमने सिंघम में देखा था कि वो एक लोकल बेस्ड स्टोरी थी, आफ्टर दैट नेशनल पे आई सिंघम रिटर्न में, जिसमें पॉलिटिक्स और बाबाओं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको दिखाया गया। अब खबरें आ रही हैं कि सिंघम 3 में इंटरनेशनल बेस्ड स्टोरी होगी जिसमें अजय देवगन इंटरनेशनल माफिया से लड़ते हुए और उनसे हो रही प्रॉब्लम से भिड़ते नजर आएंगे, उनको सॉल्व करते नजर आएंगे। अब बात करें कि कितने का कलेक्शन करेगी फिल्म, तो दोस्तों खबर आ रही है या लोगों का भी मानना है कि ये फिल्म बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस में 500 करोड़ का कलेक्शन आराम से कर जाएगी क्योंकि अजय देवगन आजकल फॉर्म में है। ये जो लाइन है ना, ये पहले तीनों खान्स के लिए कही जाती थी कि अगर खान्स किसी भी फिल्म में है ना तो ये फिल्म इतने का कलेक्शन कर लेगी, 1000 करोड़ आम बात है ये वो, लेकिन अब खान्स थोड़े पीछे हो गए हैं और अभी अजय देवगन ऊपर आ गए हैं। बात कर लेते हैं सिंघम की छोटी मोटी जानकारियों के बारे में। तो फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रोहित शेट्टी, जैसे कि आप सभी जानते हैं। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं रिलायंस एंटरटेनमेंट। फिल्म प्रेजेंटेड बाय रिलायंस एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रिलायंस एंटरटेनमेंट।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय दो और फिल्म से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए नीचे कमेंट करें। देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। थैंक यू। पिंजरे में आकर कुत्ता भी शेर बन जाता है कात्या। तू चाहता है मैं तेरा कुत्ता बनकर रहूं, तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, इस डायलॉग से आप समझ ही गए होंगे कि किसके बारे में बात करने जा रहा हूं। जी हाँ, ये एक ऐसा नाम है जिससे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी वाकिफ है। इनके डायलॉग डिलीवरी और इनके 2.5 किलो के हाथ की वजह से ये देश और दुनिया में चर्चित है। जी हाँ दोस्तों, कोई और नहीं अपने सन्नी पाजी यानी सन्नी देओल। हाल ही में सन्नी देओल की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था यमला पगला दीवाना फिर से। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर तरीके से फ्लॉप हुई। इसके बाद सन्नी पाजी के हाथ में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। हम आपको बता दें कि सिंघम 3 ये तमिल की मूवी है, इसके वहां पर 3 पार्ट्स बन चुके हैं और वहीं इसके रिमेक बॉलीवुड में 2 बन चुके हैं। लेकिन बॉलीवुड में इसके तीसरे पार्ट बनाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन बॉलीवुड में भी इसका तीसरा पार्ट बनने जा रहा है जिसमें एज अ मेन लीड के लिए सन्नी देओल को साइन किया गया था। लेकिन उनकी फिल्म फ्लॉप होने की वजह से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने सन्नी देओल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस वजह से उनके फैंस, उनके घर वाले और उनके दोस्त बहुत नाराज हैं, क्योंकि सन्नी देओल ने अपने जमाने में घातक, घायल, दामिनी, गदर, द हीरो, इंडियन जैसी सुपरहिट फिल्म, अगर सन्नी देओल सिंघम 3 करते तो इस फिल्म में भी कुछ नया होता, जैसे कि 2.5 किलो का हाथ, कात्या, उनके सुपर डायलॉग, इसमें भी वो कुछ ना कुछ नया देते जो भी लोगों को बेहद पसंद आता। लेकिन उन्हें इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और सब लोग निराश हैं। और वहीं उनकी जगह विद्युत जामवाल को साइन कर लिया गया। हम आपको बता दें कि बॉलीवुड में इस फ्रेंचाइजी की राइट सिर्फ रोहित शेट्टी के पास है, लेकिन सिंघम 3 को रोहित शेट्टी नहीं बना रहे हैं, कोई और बना रहा है। तो इस बयान पर रोहित शेट्टी का कहना है कि अगर कोई सिंघम 3 बनाना चाहता है तो वो बना सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उसे परमिशन देता हूँ। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि ये फिल्म 2019 में शुरू होगी और 2020 तक सिनेमाघरों में आएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सन्नी देओल को वापस इस फिल्म में लेना चाहिए या नहीं, या विद्युत जामवाल इस रोल के लिए फिट रहेंगे या किसी और को लेना चाहिए? लेकिन इसमें विद्युत जामवाल के अपोजिट कौन सी लीड एक्ट्रेस होंगी यानी कौन सी हीरोइन, इस बात का अभी तक कोई खुलासा नहीं किया, और बाकी की स्टार कास्ट का भी कोई खुलासा नहीं किया गया है। इस कहानी की स्क्रिप्ट कैसी होगी, साउथ की तरह होगी या कुछ चेंजेस किया जाएगा, या किस कंटेंट को लिया जाएगा, इस बात पर भी अभी कोई खुलासा नहीं किया गया। इस फिल्म का बजट कितना होगा ये भी अभी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहे हमारा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। थैंक यू। सिंघम 3 का टीजर कब आने वाला है? क्या अजय देवगन 300 करोड़ एक्टर बन पाएंगे? अजय देवगन ने अपने पिता वीरू देवगन को क्यों कहा पागल है क्या आप? अजय देवगन इतने बेहतरीन एक्टर कैसे बन पाए? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई अपडेट में। अजय देवगन ये एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई जानता है, शायद ही ऐसा कोई हो जो इस नाम से वाकिफ न हो। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं अजय देवगन को लेकर। अजय देवगन ने आने वाले साल 2019-2020 के लिए बुकिंग करा ली है। उनकी एक के बाद एक कई फिल्में लाइन में हैं। खास बात यह है कि हर फिल्म में अजय देवगन अलग अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। कुल मिलाकर आने वाली 2 सालों में अजय देवगन की लगभग 10 फिल्में आ सकती है। इनमें से ज्यादातर फिल्में तो एकदम फाइनल है, लेकिन अभी कुछ फिल्मों को लेकर सिर्फ खबरें ही आई हैं। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि इन सभी फिल्मों को लेकर अजय देवगन पर करीब 1000 करोड़ का दांव लगा हुआ है। और हो भी क्यों ना, अजय देवगन बॉलीवुड के उन सुपरस्टार्स में से एक हैं जिनके होने भर से ही फिल्म हिट मान ली जाती है। फिर अजय देवगन अपनी बेहतरीन फिल्म चॉइस को लेकर भी जाने जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सिंघम 3 के बारे में।
एक्टर अजय देवगन और डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने साथ मिलकर कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। इनके साथ में काम करने का इंतजार फैंस को भी रहता है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये जोड़ी उन्हें टोटल एंटरटेनिंग फिल्म देगी। वैसे रोहित और अजय फिर से जल्द काम करते दिखेंगे, लेकिन इसे लेकर दोनों ही कंफ्यूजन में हैं। कंफ्यूजन में भाई, किस बात की कंफ्यूजन में? कंफ्यूजन दूर कीजिए। दरअसल हाल ही में मीडिया से इंटरव्यू के दौरान अजय देवगन ने बताया कि रोहित शेट्टी सिंघम 3 और गोलमाल 5 बनाएंगे। इन दोनों फिल्मों का हिस्सा अजय देवगन ही होंगे। गई भैंस पानी। अरे मेरा मतलब, दोनों फिल्मों को आने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि दोनों ही बड़े बजट की फिल्में हैं और शूटिंग में टाइम भी लगेगा। तो चलिए बात करते हैं सिंघम 3 को लेकर। हालांकि एक्टर और डायरेक्टर दोनों ही अभी कंफ्यूजन में हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि पहले सिंघम 3 की शूटिंग शुरू की जाए या फिर गोलमाल 5 की। इसे लेकर अभी रोहित शेट्टी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो अजय देवगन की फिल्म टोटल धमाल अभी सिनेमाघरों में चल रही है और वो भी अच्छा खासा बॉक्स ऑफ कलेक्शन कर रही है, जिसके डायरेक्टर इंद्र कुमार हैं। इसके साथ ही ये फिल्म तानाजी द ग्रेट वॉरियर की शूटिंग में बिजी है। वहीं रोहित शेट्टी फिलहाल सूर्यवंशी की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल निभाते नजर आएंगे। वीरू खुद बताते हैं, जब मैंने आईने में अपना चेहरा देखा तो दूसरे स्ट्रगल्स के मुकाबले खुद को बहुत कमतर महसूस किया, इसीलिए मैंने हार मान ली, लेकिन मैंने एक प्रण लिया कि मेरा पहला बेटा एक हीरो बनेगा। वीरू ने अपने बेटे अजय को हीरो बनाने के लिए बहुत मेहनत, उन्हें कम उम्र से ही फिल्म मेकिंग एक्शन वगैरह से जोड़ा। तब से ही ये सब अजय के हाथों से करवाते थे। कॉलेज गए तो उनके लिए डांस क्लासेस शुरू करवाई, घर में जिम बनवाया, उर्दू की क्लासेस लगवाई, हॉर्स राइडिंग सिखवाई, फिर उसके बाद अपनी फिल्मों के एक्शन टीम का हिस्सा भी बनाया। उन्हें सिखाने लगे कि सेट का माहौल कैसा होता है। अजय फिल्म मेकिंग को लेकर इस वजह से बहुत सक्षम हो गए। अजय तब कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे और पार्ट टाइम शेखर कपूर को उनकी फिल्म दुश्मनी में असिस्ट कर रहे थे। तब तक अजय देवगन ने फिल्मों में आने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया था। एक शाम वो घर लौटे तो डायरेक्टर संदेश कुकू कोहली उनके पिता वीरू देवगन के साथ बैठे थे। वीरू ने कहा कि संदेश फूल और कांटे नाम से एक फिल्म बना रहे हैं और तुम्हें इसमें लेना चाहते हैं। इस पर अजय की पहली प्रतिक्रिया थी, आप पागल हो गए हैं क्या? अभी मैं सिर्फ 18 साल का हूँ और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। अजय ने बिल्कुल साफ मना कर दिया और वो चले गए। ये अक्टूबर 1990 की बात थी और अगले महीने नवंबर में वो उस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें ये फिल्म मिली, इसमें भी वीरू द्वारा करवाई गई इस तैयारी और उनका बेटा होने का रुतबा था जो काम कर रहा था। बात करें सिंघम 3 के टीजर की, तो सूत्रों की माने तो इस फिल्म का टीजर 2019 के अंत से पहले ही आ जाएगा। और जिस तरह से अजय देवगन के ऊपर प्रोड्यूसर्स का पैसा लगा है और जैसा कि अजय देवगन की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल मचाती हैं, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ये कहना नामुमकिन नहीं होगा कि अजय देवगन 3000 करोड़ स्टार बन जाएंगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अजय देवगन के पिता वीरू देवगन का सपना था और उनका प्रण था कि वो अपने बेटे को एक सुपरस्टार बनाएंगे, जो कि उन्होंने पूरा किया। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए आप हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। सेट्टी निर्देशित फिल्म सिंघम फ्रेंचाइजी की पिछली दो फिल्मों में अजय देवगन लीड रोल में नजर आए। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। दोनों ने ही ओवरऑल 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। अब सुनने में आया है कि प्रोड्यूसर जयंती लाल गाढ़ा ने इस फिल्म के तीसरे पार्ट यानी कि सिंघम 3 के राइट्स खरीदे हैं। वे अपने बैनर तले इस फिल्म का निर्माण करेंगे। सुनने में आया है कि मेकर्स इस बार लीड रोल में अजय देवगन की जगह विद्युत जामवाल को लेने का मन बना रहे हैं। विद्युत इससे पहले बुलेट राजा में एसपी का किरदार निभा चुके हैं। इसके अलावा कमांडो फ्रेंचाइजी और बादशाहों में उन्होंने फौजी का रोल प्ले किया था। सिंघम 3 के अलावा विद्युत जल्द ही कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म में भी दिखाई देंगे। विद्युत की फिल्म जंगली अगले साल 5 अप्रैल को रिलीज होगी। सूर्या स्टारर तमिल फिल्म सिंघम 3 2017 में रिलीज हुई थी।
हरी निर्देशित इस फिल्म को जयंती लाल गाढ़ा के बेटे धवल गाढ़ा ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म में श्रुति हसन और अनुष्का शेट्टी नजर आई थी। सिंघम 3 में अजय देवगन को लिया जा रहा है या फिर सनी देओल को? सिंघम 3 की कहानी क्या है? सिंघम 3 में किस हीरोइन को लिया जा रहा है? सिंघम 3 की शूटिंग कब से शुरू होने जा रही है? आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की सिंघम सीरीज में अब सनी देओल नजर आएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। भला आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या हुआ जो सिंघम जैसी हिट सीरीज से अजय देवगन ने दूरी बना ली। दरअसल यहाँ मामला कुछ और है। अब बॉलीवुड में दो सिंघम 3 बनेगी, एक जिसे रोहित शेट्टी निर्देशित करेंगे और उसमें हमेशा की तरह अजय देवगन बेहद कड़क पुलिस वाले सिंघम की भूमिका निभाएंगे। दूसरी सिंघम 3 का निर्माण जयंती लाल गाढ़ा करने वाले हैं, जिसमें सिंघम की भूमिका में सनी देओल को फाइनल कर लिया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि एक ही नाम से दो फिल्में क्यों बनाई जा रही, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। सनी देओल को लेकर बनने वाली फिल्म सिंघम 3 के को प्रोड्यूसर जयंती लाल गाढ़ा ने NewBharatTimes.com से हुई बातचीत में बताया, सबसे पहले तो मैं फिल्म के नाम को लेकर एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि लोग इसे सिंघम 3 कह रहे हैं, लेकिन हम इस फिल्म को यश 3 के नाम से रिलीज करेंगे। हमारी फिल्म यश 3 तमिल में बनी फिल्म सिंघम का तीसरा भाग है, जिसके तीनों भाग का निर्देशन हरि ने किया। तमिल में पहले भाग का नाम सिंघम था, दूसरे भाग का नाम सिंघम 2 था और तीसरे भाग का नाम यश 3 था। हम इसी तमिल में बनी यश 3 को हिंदी में बनाएंगे। जयंती लाल गाढ़ा आगे कहते हैं, हमारी फिल्म की कहानी से रोहित शेट्टी या अजय देवगन का कुछ लेना देना नहीं। हमारी फिल्म के पिछले भागों का नाम जरूर उनकी फिल्म से मिलता जुलता, क्योंकि रोहित ने पहली सिंघम तमिल में बनी फिल्म के सभी तरह के अधिकारों को लेकर बनाई। लेकिन जब रोहित फिल्म का दूसरा भाग बनाना चाहते थे, तब उन्हें तमिल में बनी सिंघम 2 के अधिकार नहीं मिले और उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी थी। दरअसल मैं तमिल में बनी यश 3 का निर्माता भी हूँ। मेरे साथी निर्माता ने मुझे इस फिल्म को हिंदी में बनाने का प्रस्ताव दिया और मैं भी तैयार हो गया हूँ। यश 3 में सनी देओल सूर्या की जगह कड़क और ईमानदार पुलिस वाले का किरदार निभाएंगे और फिल्म का निर्देशन के रविचंद्रन करेंगे। फिल्म की हीरोइन के लिए अभी तक किसी से कोई बात नहीं हुई। फिलहाल फिल्म की कहानी को हिंदी में लिखने का काम किया जा रहा है। सिंघम रिटर्न्स एक भारतीय एक्शन फिल्म है, जिसके निर्देशक रोहित शेट्टी। इस फिल्म का निर्माता रिलायंस एंटरटेनमेंट है। ये फिल्म 2011 में आई सिंघम नामक फिल्म की दूसरी कड़ी, जिसके मुख्य कलाकार अजय देवगन थे, जो इस फिल्म के सह निर्माता भी। इनके साथ करीना कपूर खान भी है। इसका ट्रेलर 11 जुलाई को जारी हुआ तथा ये फिल्म 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर रिलीज होने को अनुसूचित तथा ये फिल्म दर्शकों के अनुसार इस फिल्म ने खूब धमाल मचाया और इस फिल्म ने भारत की बड़ी फिल्मों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया। भारत की चौथी पहले दिन में सर्वाधिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई। अनुष्का शेट्टी ने क्यों ठुकरा दी थी अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फिल्म सिंघम? अजय देवगन और रोहित शेट्टी की सुपरहिट जोड़ी ने साल 2011 में सिंघम नाम की एक फिल्म बनाई, जिसने उस साल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इसके बाद आज सिंघम एक फिल्म सीरीज का रूप ले चुकी है और दर्शक सिंघम की तीसरी कड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सिंघम के 7 साल पूरे हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंघम में अजय देवगन के साथ काजल अग्रवाल ने मुख्य किरदार निभाया, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि काजल इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थी। असल में सिंघम ने निर्माता साउथ अदाकारा अनुष्का शेट्टी को सिंघम में लेना चाहते थे, जिसके लिए अनुष्का से बात की गई थी। हालांकि निर्माताओं और अनुष्का के बीच फिल्म की फीस को लेकर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, जिस कारण अनुष्का अजय देवगन के साथ सिंघम में दिखाई नहीं दी। जब अनुष्का और सिंघम निर्माताओं की बात नहीं बन पाई तो मीडिया में उस समय कई सारी खबरें लिखी गई और बताया गया कि अनुष्का ने ये फिल्म साइन क्यों नहीं की। हालांकि उसके थोड़े समय बाद अनुष्का ने खुद मीडिया को बताया कि सिंघम साइन न करने की असली वजह क्या थी। इसके बाद जो गलत खबरें लिखी गई थी उनसे पर्दा उठा। बता दें कि सिंघम रिटर्न्स में अजय देवगन के साथ करीना कपूर खान दिखाई दी थी। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी। इसके बाद अब सिंघम के निर्माता इसका तीसरा भाग बनाने की
प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि उसकी कास्टिंग से भी पर्दा नहीं उठाया गया है। देखना होगा कि सिंघम 3 में अजय देवगन के अपोजिट कौन सी अदाकारा दिखाई देगी। डायरेक्टर रोहित शेट्टी के द्वारा बनाई गई सिंघम अभी भी लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है। इसका एकमात्र कारण फिल्म के मुख्य किरदार बाजीराव सिंघम का निडर स्वभाव है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभाने वाले प्रकाश राज ने उस समय मीडिया को बताया था कि मैं डार्क सिनेमा करके बोर हो चुका हूँ, लेकिन सिंघम वैसी फिल्म नहीं है। आइए आपको सिंघम की 7वीं सालगिरह पर इसके 5 अनजाने तथ्य बताते। अजय देवगन का एंट्री सीन डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने पंचगानी में शूट किया, जहां रात में तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला गया। इस सीन की शूटिंग के समय जहां फिल्म का क्रू जैकेट और स्वेटर पहने हुआ था, वहीं अजय देवगन बिना कुछ पहने ठंडे पानी में नहाकर निकल रहे थे। ये साल 2010 में बनी तमिल फिल्म सिंघम का हिंदी रिमेक ओरिजिनल सिंघम में सूर्या के साथ प्रकाश राज और अनुष्का शेट्टी ने काम किया। प्रकाश राज ने हिंदी सिंघम में भी खलनायक की भूमिका निभाई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले सिंघम में काजल अग्रवाल नहीं बल्कि साउथ हीरोइन अनुष्का शेट्टी काम करने वाली थी, लेकिन उन्होंने कुछ कारणों के चलते इस फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अनुष्का ने मीडिया को बाद में बताया था, मैंने सिंघम क्यों नहीं की। हिंदी मीडिया ने काफी कुछ लिखा, लेकिन जब अनुष्का ने बताया मैंने इस फिल्म को क्यों छोड़ा, तो सभी लोगों के मुंह बंद हो गए। हिंदी सिनेमा के जाने माने कलाकार अशोक सराफ ने इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में 9 साल के बाद वापसी की। सिंघम से पहले उन्होंने साल 2002 में कुछ तुम कहो कुछ हम कहे जैसी फिल्में की थी। फिल्म सिंघम को रोहित शेट्टी ने मात्र 20 करोड़ रुपए में बनाया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए की कमाई की। अजय देवगन और काजल अग्रवाल स्टारर सिंघम उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी। डायरेक्टर रोहित शेट्टी की नई फिल्म सिम्बा साल 2018 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। इसमें रणवीर सिंह पहली बार एक पुलिस अफसर के रूप में नजर आएंगे और उनकी हीरोइन के तौर पर सारा अली खान दिखाई देंगी। हाल ही में रणवीर सिंह और सारा अली खान स्टार सिम्बा का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों ने दिल खोल कर प्यार दिया। बता दें, फिल्म सिम्बा रणवीर सिंह के करियर की पहली ऑन एंड आउट मसाला एंटरटेनर है। इसमें वो रोहित शेट्टी के हीरो बने हैं, जो गुंडों की जमकर हड्डियां तोड़ता और उनकी नानी याद दिलाता है। रणवीर सिंह के साथ साथ उनके फैंस को भी सिम्बा से काफी सारी उम्मीदें हैं। देखना होगा कि ये फिल्म उन पर कैसी उतरती। हालांकि फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर से बने उत्साह को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि दर्शक सिम्बा देखने के लिए उत्साहित तो हैं। अजय देवगन ने सिंघम के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर बॉक्स ऑफिस पर मोटी कमाई की थी। अब उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए रोहित शेट्टी ने एक नया सिंघम उतार दिया है रणवीर सिंह के रूप में। इस ट्रेलर में अजय देवगन को भी दिखाया गया है। ट्रेलर में साफ दिख रहा है कि अजय देवगन को देखकर एक छोटा सा बच्चा पुलिस वाला बनना चाहता है और वो बन भी जाता है। और ट्रेलर के एंड में अजय देवगन की फिर से री एंट्री, क्या हो सकती है कहानी। ट्रेलर को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये मल्टी स्टारर फिल्म हो, जिसमें अजय देवगन भी है और रणवीर सिंह भी। लेकिन ट्रेलर में रणवीर सिंह के हाथ पर एक जगह पुलिस लिखा हुआ है, उसे देखकर तो यही लगता है कि उसके अंदर कितनी बड़ी दीवानगी है पुलिस को लेकर। रणवीर सिंह गुंडों के पीछे भागते हुए आला रे आला सिम्बा आला में एकदम जबरदस्त लुक में नजर आ रहे हैं। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग गोवा में हुई है, लेकिन इस फिल्म की कहानी क्या सिंघम से जुड़ी हुई है या सिंघम के आगे की कहानी है या फिर उससे अलग, ये तो फिल्म के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये फिल्म साउथ इंडस्ट्री की सुपरहिट फिल्म टेम्पर का रिमेक है। इस फिल्म में जूनियर NTR और काजल अग्रवाल थी। इस फिल्म का बजट 35 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर कमाई 74.3 करोड़। लेकिन सिम्बा के ट्रेलर को देखकर तो यही लगता है कि इसकी स्टोरी टेम्पर की तरह ही है, बस कुछ चीजें ही अलग हैं। फिल्म का प्लॉट एकदम टेम्पर की तरह ही है। टेम्पर में भी एक बच्चा पुलिस वाला बनना चाहता है, लेकिन वो पुलिस वाला देश की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए। वो जिस शहर में भी जाता है, जिस थाने में भी जाता है, वहाँ पे घूस लेना चालू कर देता है। इसी बीच उसे एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक लड़की के साथ रेप हो जाता है और वो हीरो को अपना भाई मानती है।
और अपनी इस मुंह बोली बहन को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता देख उसका दिल पिघल जाता है और वो कसम खा लेता है कि वो रेपिस्ट को नहीं छोड़ेगा, उनको फांसी के फंदे तक पहुंचा कर ही दम लेगा। तो सिम्बा के ट्रेलर में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ अलग है तो वो ये अजय देवगन की एंट्री शुरुआत में और लास्ट में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये उठती है कि रणवीर सिंह पुलिस वाले कैरेक्टर के साथ न्याय कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि इससे पहले भारतीय सिनेमा में एक से बढ़कर एक पुलिस वाले रोल देखने को मिल चुके हैं, जैसे कि अजय देवगन। अजय देवगन ने ऐसे पुलिस का रोल निभाया है कि मानो कि वो अगर एक एक्टर ना होते तो किसी बड़े अधिकारी वाले रैंक पोस्ट पर होते। उन्होंने फिल्म सिंघम, सिंघम 2, गंगाजल, दीवाने, संडे, इंसान और कुछ फिल्मों में शानदार पुलिस वाले का अभिनय किया है जो कि एक यादगार है। उसके बाद नाम आता है सनी देओल। सनी देओल ने फिल्म इंडियन में दमदार पुलिस वाले का रोल निभाया था। उसके बाद नाम आता है सरफरोश। सरफरोश में आमिर खान ने भी पुलिस वाले का एक मजबूत कैरेक्टर निभाया था। और इसके बाद एक और नाम है इस लिस्ट में, ओमपुरी। ओमपुरी ने अर्ध सत्य में एक ऐसे पुलिस वाले का रोल निभाया था जो कि आज तक लोगों की जुबान पर है। उसके बाद नाम आता है इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का। फिल्म जंजीर में उनके पुलिस वाले किरदार को कौन भूल सकता है। उसके बाद खाकी में, और इस लिस्ट में एक और नाम शुमार है जिन्हें पुलिस के रोल के लिए कोई नहीं भूल सकता, और वो नाम है नाना पाटेकर का। नाना पाटेकर की तिरंगा और अब तक 56 में। नाना पाटेकर ने ऐसे पुलिस वाले का किरदार निभाया मानो कि वो वाकई पुलिस वाले हो। तो दोस्तों ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि रणवीर सिंह एक नया कीर्तिमान बना पाते हैं पुलिस वाले के रोल में या नहीं, जैसा कि उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में बनाया है। हम आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है। इसमें रणवीर सिंह ACP संग्राम भाले राव का किरदार निभा रहे हैं, सारा अली खान प्रिया बख्शी का, सोनू सूद विक्रांत कदम का, अजय देवगन कैमियो एज अ बाजीराव सिंघम, आशुतोष राणा सीनियर इंस्पेक्टर कदम का, सिद्धार्थ यादव इंस्पेक्टर गणेश तावड़े का, और इस फिल्म में अक्षय कुमार का भी एक कैमियो रोल है। उनके अलावा तुषार कपूर, कुणाल खेमू, श्रीस्थल पड़े और अरशद वारसी का भी, और इसमें एक आइटम सॉन्ग भी है जिसमें सनी लियोन ठुमकते हुए नजर आएंगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि रणबीर कपूर, रोहित शेट्टी, अजय देवगन इस फिल्म को टेम्पर की तरह सुपर डुपर हिट बना पाएंगे या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशंस। सिंघम 3 में अजय देवगन को लिया जा रहा है या फिर सनी देओल को? सिंघम 3 की कहानी क्या है? सिंघम 3 में किस हीरोइन को लिया जा रहा है? सिंघम 3 की शूटिंग कब से शुरू होने जा रही है? आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की सिंघम सीरीज में अब सनी देओल नजर आएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। भला आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या हुआ जो सिंघम जैसी हिट सीरीज से अजय देवगन ने दूरी बना ली। दरअसल यहाँ मामला कुछ और है। अब बॉलीवुड में दो सिंघम 3 बनेगी, एक जिसे रोहित शेट्टी निर्देशित करेंगे और उसमें हमेशा की तरह अजय देवगन बेहद कड़क पुलिस वाले सिंघम की भूमिका निभाएंगे। दूसरी सिंघम 3 का निर्माण जयंती लाल गाडा करने वाले है, जिसमे सिंघम की भूमिका में सनी देओल को फाइनल कर लिया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि एक ही नाम से दो फिल्में क्यों बनाई जा रही, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। सनी देओल को लेकर बनने वाली फिल्म सिंघम 3 के को प्रोड्यूसर जयंती लाल गाढ़ा ने NewBharatTimes.com से हुई बातचीत में बताया, सबसे पहले तो मैं फिल्म के नाम को लेकर एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि लोग इसे सिंघम 3 कह रहे हैं, लेकिन हम इस फिल्म को यस 3 के नाम से रिलीज करेंगे। हमारी फिल्म यस 3 तमिल में बनी फिल्म सिंघम का तीसरा भाग है, जिसके तीनों भाग का निर्देशन हरि ने किया है। तमिल में पहले भाग का नाम सिंघम था, दूसरे भाग का नाम सिंघम 2 था और तीसरे भाग का नाम यस 3 था।
हम इसी तमिल में बनी यस थ्री को हिंदी में बनाएंगे। जयंती लाल गाढ़ा आगे कहते हैं, हमारे फिल्म की कहानी से रोहित शेट्टी या अजय देवगन का कुछ लेना देना नहीं है। हमारी फिल्म के पिछले भागों का नाम जरूर उनकी फिल्म से मिलता जुलता है, क्योंकि रोहित ने पहली सिंघम तमिल में बनी फिल्म के सभी तरह के अधिकारों को लेकर बनाई थी। लेकिन जब रोहित फिल्म का दूसरा भाग बनाना चाहते थे, तब उन्हें तमिल में बनी सिंघम 2 के अधिकार नहीं मिले और उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी थी। दरअसल मैं तमिल में बनी यस थ्री का निर्माता भी हूँ। मेरे साथी निर्माता ने मुझे इस फिल्म को हिंदी में बनाने का प्रस्ताव दिया और मैं भी तैयार हो गया हूँ। यस थ्री में सनी देओल सूर्या की जगह कड़क और ईमानदार पुलिस वाले का किरदार निभाएंगे और फिल्म का निर्देशन के रवि चंद्रन करेंगे। फिल्म की हीरोइन के लिए अभी तक किसी से कोई बात नहीं हुई। फिलहाल फिल्म की कहानी को हिंदी में लिखने का काम किया जा रहा है। सिंघम रिटर्न्स एक भारतीय एक्शन फिल्म जिसके निर्देशक रोहित शेट्टी। इस फिल्म का निर्माता रिलायंस एंटरटेनमेंट है। ये फिल्म 2011 में आई सिंघम नामक फिल्म की दूसरी कड़ी, जिसके मुख्य कलाकार अजय देवगन थे, जो इस फिल्म के सह निर्माता भी। इनके साथ करीना कपूर खान भी है। इसका ट्रेलर 11 जुलाई को जारी हुआ तथा ये फिल्म 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर रिलीज होने हेतु अनुसूचित तथा ये फिल्म दर्शकों के अनुसार इस फिल्म ने खूब धमाल मचाया और इस फिल्म ने भारत की बड़ी फिल्मों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया। भारत की चौथी पहले दिन में सर्वाधिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली फिल्में बन गई। अनुष्का शेट्टी ने क्यों ठुकरा दी थी अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फिल्म सिंघम? अजय देवगन और रोहित शेट्टी की सुपरहिट जोड़ी ने साल 2011 में सिंघम नाम की एक फिल्म बनाई जिसने उस साल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इसके बाद आज सिंघम एक फिल्म सीरीज का रूप ले चुकी है और दर्शक सिंघम की तीसरी कड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सिंघम के 7 साल पूरे हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंघम में अजय देवगन के साथ काजल अग्रवाल ने मुख्य किरदार निभाया, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि काजल इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थी। असल में सिंघम ने निर्माता साउथ अदाकारा अनुष्का शेट्टी को सिंघम में लेना चाहते थे, जिसके लिए अनुष्का से बात की गई थी। हालांकि निर्माताओं और अनुष्का के बीच फिल्म की फीस को लेकर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, जिस कारण अनुष्का अजय देवगन के साथ सिंघम में दिखाई नहीं दी। जब अनुष्का और सिंघम निर्माताओं की बात नहीं बन पाई तो मीडिया में उस समय कई सारी खबरें लिखी गई और बताया गया कि अनुष्का ने ये फिल्म साइन क्यों नहीं की। हालांकि उसके थोड़े समय बाद अनुष्का ने खुद मीडिया को बताया कि सिंघम साइन न करने की असली वजह क्या थी। इसके बाद जो गलत खबरें लिखी गई थी उनसे पर्दा उठा। बता दें कि सिंघम रिटर्न्स में अजय देवगन के साथ करीना कपूर खान दिखाई दी थी। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी। इसके बाद अब सिंघम के निर्माता इसका तीसरा भाग बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि उसकी कास्टिंग से भी पर्दा नहीं उठाया गया है। देखना होगा कि सिंघम 3 में अजय देवगन के अपोजिट कौन सी अदाकारा दिखाई देंगी। डायरेक्टर रोहित शेट्टी के द्वारा बनाई गई सिंघम अभी भी लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है। इसका एकमात्र कारण फिल्म के मुख्य किरदार बाजीराव सिंघम का निडर स्वभाव है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभाने वाले प्रकाश राज ने उस समय मीडिया को बताया था कि मैं डार्क सिनेमा करके बोर हो चुका हूँ, लेकिन सिंघम वैसी फिल्म नहीं है। आइए आपको सिंघम की 7वीं सालगिरह पर इसके 5 अनजाने तथ्य बताते। अजय देवगन का एंट्री सीन डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने पंचगानी में शूट किया, जहां रात में तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला गया। इस सीन की शूटिंग के समय जहां फिल्म का क्रू जैकेट और स्वेटर पहने हुआ था, वहीं अजय देवगन बिना कुछ पहने ठंडे पानी में नहाकर निकल रहे थे। ये साल 2010 में बनी तमिल फिल्म सिंघम का हिंदी रिमेक ओरिजिनल सिंघम में सूर्या के साथ प्रकाश राज और अनुष्का शेट्टी ने काम किया। प्रकाश राज ने हिंदी सिंघम में भी खलनायक की भूमिका निभाई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले सिंघम में काजल अग्रवाल नहीं बल्कि साउथ हीरोइन अनुष्का शेट्टी काम करने वाली थी, लेकिन उन्होंने कुछ कारणों के चलते इस फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अनुष्का ने मीडिया को बाद में बताया था, मैंने सिंघम क्यों नहीं की। हिंदी मीडिया ने काफी कुछ लिखा, लेकिन जब अनुष्का ने बताया मैंने इस फिल्म को क्यों छोड़ा, तो सभी लोगों के मुंह बंद हो गए। हिंदी सिनेमा के जाने माने कलाकार अशोक सराफ ने इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में 9 साल के बाद वापसी की थी। सिंघम से पहले उन्होंने साल 2002 में कुछ तुम कहो कुछ हम कहे
जैसी फिल्में की थी। फिल्म सिंघम को रोहित शेट्टी ने मात्र 20 करोड़ रुपए में बनाया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए की कमाई की। अजय देवगन और काजल अग्रवाल स्टारर सिंघम उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी। डायरेक्टर रोहित शेट्टी की नई फिल्म सिम्बा साल 2018 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। इसमें रणवीर सिंह पहली बार एक पुलिस अफसर के रूप में नजर आएंगे और उनकी हीरोइन के तौर पर सारा अली खान दिखाई देंगे। हाल ही में रणवीर सिंह और सारा अली खान स्टार सिम्बा का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों ने दिल खोलकर प्यार दिया। इसके बाद अब निर्माताओं ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि वो सिम्बा का पहला ऑफिशियल मूवी डांस नंबर आंख मारे कब रिलीज करेंगे। सिम्बा एक्टर रणवीर सिंह ने कुछ देर पहले ही अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि आंख मारे गाना 6 दिसंबर के दिन दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा, जिसमें वो सारा अली खान के साथ जबरदस्त डांस करते दिखाई देंगे। रणवीर सिंह ने आंख मारे गाने की ट्यून ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है, आंख मारे कल रिलीज हो रहा, तैयार हो जाओ आंख मारे गाना। अरशद वारसी के सुपरहिट गाने आंख मारे ओ लड़का आंख मारे का रिमिक्स वर्जन। बीते दिनों अरशद वारसी ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि रणवीर सिंह और सारा अली खान के साथ सिम्बा के इस रिमिक्स गाने में दिखाई देंगे। बता दें फिल्म सिम्बा रणवीर सिंह के करियर की पहली ऑन एंड आउट मसाला एंटरटेनर है। इसमें वो रोहित शेट्टी के हीरो बने हैं, जो गुंडों की जमकर हड्डियां तोड़ता और उनकी नानी याद दिलाता है। रणवीर सिंह के साथ साथ उनके फैंस को भी सिम्बा से काफी सारी उम्मीदें हैं। देखना होगा कि ये फिल्म उन पर कैसी उतरती। हालांकि फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर से बने उत्साह को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि दर्शक सिम्बा देखने के लिए उत्साहित तो हैं। आपका फिल्म के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अजय देवगन ने सिंघम के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर बॉक्स ऑफिस पर मोटी कमाई की थी। अब उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए रोहित शेट्टी ने एक नया सिंघम उतार दिया है रणवीर सिंह के रूप में। इस ट्रेलर में अजय देवगन को भी दिखाया गया है। ट्रेलर में साफ दिख रहा है कि अजय देवगन को देखकर एक छोटा सा बच्चा पुलिस वाला बनना चाहता है और वो बन भी जाता है। और ट्रेलर के एंड में अजय देवगन की फिर से री एंट्री, क्या हो सकती है कहानी। ट्रेलर को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये मल्टी स्टारर फिल्म हो, जिसमें अजय देवगन भी है और रणवीर सिंह भी। लेकिन ट्रेलर में रणवीर सिंह के हाथ पर एक जगह पुलिस लिखा हुआ है, उसे देखकर तो यही लगता है कि उसके अंदर कितनी बड़ी दीवानगी है पुलिस को लेकर। रणवीर सिंह गुंडों के पीछे भागते हुए आला रे आला सिम्बाला में एकदम जबरदस्त लुक में नजर आ रहे हैं। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग गोवा में हुई है, लेकिन इस फिल्म की कहानी क्या सिंघम से जुड़ी हुई है या सिंघम के आगे की कहानी है या फिर उससे अलग, ये तो फिल्म के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये फिल्म साउथ इंडस्ट्री की सुपरहिट फिल्म टेम्पर का रिमेक है। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और काजल अग्रवाल थी। इस फिल्म का बजट 35 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर कमाई 74.3 करोड़। लेकिन सिम्बा के ट्रेलर को देखकर तो यही लगता है कि इसकी स्टोरी टेम्पर की तरह ही है, बस कुछ चीजें ही अलग हैं। फिल्म का प्लॉट एकदम टेम्पर की तरह ही है। टेम्पर में भी एक बच्चा पुलिस वाला बनना चाहता है, लेकिन वो पुलिस वाला देश की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए। वो जिस शहर में भी जाता है, जिस थाने में भी जाता है, वहाँ पे घूस लेना चालू कर देता है। इसी बीच उसे एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक लड़की के साथ रेप हो जाता है और वो हीरो को अपना भाई मानती है और अपनी इस मुंह बोली बहन को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता देख उसका दिल पिघल जाता है और वो कसम खा लेता है कि वो रेपिस्ट को नहीं छोड़ेगा, उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाकर ही दम लेगा। तो सिम्बा के ट्रेलर में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ अलग है तो वो ये अजय देवगन की एंट्री शुरुआत में और लास्ट में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये उठती है कि रणवीर सिंह पुलिस वाले कैरेक्टर के साथ न्याय कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि इससे पहले भारतीय सिनेमा में एक से बढ़कर एक पुलिस वाले रोल देखने को मिल चुके हैं, जैसे कि अजय देवगन ने ऐसे पुलिस का रोल निभाया है कि मानो कि वो अगर एक एक्टर ना होते तो किसी बड़े अधिकारी वाले रैंक पोस्ट पर होते। उन्होंने फिल्म सिंघम, सिंघम 2, गंगाजल, दीवाने, संडे, इंसान और कुछ फिल्मों में शानदार पुलिस वाले का अभिनय किया है, जो कि एक यादगार है। उसके बाद नाम आता है सनी देओल। सनी देओल ने
फिल्म इंडियन में दमदार पुलिस वाले का रोल निभाया था। उसके बाद नाम आता है सरफरोश। सरफरोश में आमिर खान ने भी पुलिस वाले का एक मजबूत कैरेक्टर निभाया था। और इसके बाद एक और नाम है इस लिस्ट में, ओमपुरी। ओमपुरी ने अर्ध सत्य में एक ऐसे पुलिस वाले का रोल निभाया था जो कि आज तक लोगों की जुबान पर है। उसके बाद नाम आता है इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का। फिल्म जंजीर में उनके पुलिस वाले किरदार को कौन भूल सकता है। उसके बाद खाकी में, और इस लिस्ट में एक और नाम शुमार है जिन्हें पुलिस के रोल के लिए कोई नहीं भूल सकता, और वो नाम है नाना पाटेकर का। नाना पाटेकर की तिरंगा और अब तक 56 में। नाना पाटेकर ने ऐसे पुलिस वाले का किरदार निभाया मानो कि वो वाकई पुलिस वाले हो। तो दोस्तों, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि रणवीर सिंह एक नया कीर्तिमान बना पाते हैं पुलिस वाले के रोल में या नहीं, जैसा कि उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में बनाया है। हम आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है। इसमें रणवीर सिंह एसीपी संग्राम भाले राव का किरदार निभा रहे हैं, सारा अली खान प्रिया बख्शी का, सोनू सूद विक्रांत कदम का, अजय देवगन कैमियो एज अ बाजीराव सिंघम, आशुतोष राणा सीनियर इंस्पेक्टर कदम का, सिद्धार्थ यादव इंस्पेक्टर गणेश तावड़े का, और इस फिल्म में अक्षय कुमार का भी एक कैमियो रोल है। उनके अलावा तुषार कपूर, कुणाल खेमू, श्रीस्थल पड़े और अरशद वारसी का भी, और इसमें एक आइटम सॉन्ग भी है जिसमें सनी लियोन ठुमकते हुए नजर आएंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रणबीर कपूर, रोहित शेट्टी, अजय देवगन इस फिल्म को टेम्पर की तरह सुपर डुपर हिट बना पाएंगे या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशंस।
शेट्टी निर्देशित फिल्म सिंघम फ्रेंचाइजी की पिछली दो फिल्मों में अजय देवगन लीड रोल में नजर आए। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। दोनों ने ही ओवरऑल 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। अब सुनने में आया है कि प्रोड्यूसर जयंती लाल गाढ़ा ने इस फिल्म के तीसरे पार्ट यानी कि सिंघम 3 के राइट्स खरीदे हैं। वे अपने बैनर तले इस फिल्म का निर्माण करेंगे। सुनने में आया है कि मेकर्स इस बार लीड रोल में अजय देवगन की जगह विद्युत जामवाल को लेने का मन बना रहे हैं। विद्युत इससे पहले बुलेट राजा में एसपी का किरदार निभा चुके हैं। इसके अलावा कमांडो फ्रेंचाइजी और बादशाहों में उन्होंने फौजी का रोल प्ले किया था। सिंघम 3 के अलावा विद्युत जल्द ही कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म में भी दिखाई देंगे। विद्युत की फिल्म जंगली अगले साल 5 अप्रैल को रिलीज होगी। सूर्या स्टारर तमिल फिल्म सिंघम 3 2017 में रिलीज हुई थी। हरी निर्देशित इस फिल्म को जयंती लाल गाढ़ा के बेटे धवल गाढ़ा ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म में श्रुति हसन और अनुष्का शेट्टी नजर आई थी। सिंघम 3 में अजय देवगन को लिया जा रहा है या फिर सनी देओल को? सिंघम 3 की कहानी क्या है? सिंघम 3 में किस हीरोइन को लिया जा रहा है? सिंघम 3 की शूटिंग कब से शुरू होने जा रही है? आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की सिंघम सीरीज में अब सनी देओल नजर आएंगे, ऐसा लोगों का कहना। भला आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या हुआ जो सिंघम जैसी हिट सीरीज से अजय देवगन ने दूरी बना ली। दरअसल यहाँ मामला कुछ और है। अब बॉलीवुड में दो सिंघम 3 बनेगी, एक जिसे रोहित शेट्टी निर्देशित करेंगे और उसमें हमेशा की तरह अजय देवगन बेहद कड़क पुलिस वाले सिंघम की भूमिका निभाएंगे। दूसरी सिंघम 3 का निर्माण जयंती लाल गाढ़ा करने वाले हैं, जिसमें सिंघम की भूमिका में सनी देओल को फाइनल कर लिया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि एक ही नाम से दो फिल्में क्यों बनाई जा रही, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। सनी देओल को लेकर बनने वाली फिल्म सिंघम 3 के को प्रोड्यूसर जयंती लाल गाढ़ा ने NewBharatTimes.com से हुई बातचीत में बताया, सबसे पहले तो मैं फिल्म के नाम को लेकर एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि लोग इसे सिंघम 3 कह रहे हैं, लेकिन हम इस फिल्म को यस 3 के नाम से रिलीज करेंगे। हमारी फिल्म यस 3 तमिल में बनी फिल्म सिंघम का तीसरा भाग है, जिसके तीनों भाग का निर्देशन हरि ने किया। तमिल में पहले भाग का नाम सिंघम था, दूसरे भाग का नाम सिंघम 2 था और तीसरे भाग का नाम यस 3 था। हम इसी तमिल में बनी यस 3 को हिंदी में बनाएंगे। जयंती लाल गाढ़ा आगे कहते हैं, हमारे फिल्म की कहानी से रोहित शेट्टी या अजय देवगन का कुछ लेना देना नहीं। हमारी फिल्म के पिछले भागों का नाम जरूर उनकी फिल्म से मिलता जुलता, क्योंकि रोहित ने पहली सिंघम तमिल में बनी फिल्म के सभी तरह के अधिकारों को लेकर बनाई। लेकिन जब रोहित फिल्म का दूसरा भाग बनाना चाहते थे, तब उन्हें तमिल में बनी सिंघम 2 के अधिकार नहीं मिले और उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी थी। दरअसल मैं तमिल में बनी यस 3 का निर्माता भी हूँ। मेरे साथी निर्माता ने मुझे इस फिल्म को हिंदी में बनाने का प्रस्ताव दिया और मैं भी तैयार हो गया हूँ। यस 3 में सनी देओल सूर्या की जगह कड़क और ईमानदार पुलिस वाले का किरदार निभाएंगे और फिल्म का निर्देशन के रवि चंद्रन करेंगे। फिल्म की हीरोइन के लिए अभी तक किसी से कोई बात नहीं हुई। फिलहाल फिल्म की कहानी को हिंदी में लिखने का काम किया जा रहा है। सिंघम रिटर्न्स एक भारतीय एक्शन फिल्म है, जिसके निर्देशक रोहित शेट्टी। इस फिल्म का निर्माता रिलायंस एंटरटेनमेंट है। ये फिल्म 2011 में आई सिंघम नामक फिल्म की दूसरी कड़ी, जिसके मुख्य कलाकार अजय देवगन थे, जो इस फिल्म के सह निर्माता भी। इनके साथ करीना कपूर खान भी है। इसका ट्रेलर 11 जुलाई को जारी हुआ तथा ये फिल्म 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर रिलीज होने को अनुसूचित तथा ये फिल्म दर्शकों के अनुसार इस फिल्म ने खूब धमाल मचाया और इस फिल्म ने भारत की बड़ी फिल्मों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया। भारत की चौथी पहले दिन में सर्वाधिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली फिल्में बन गई। अनुष्का शेट्टी ने क्यों ठुकरा दी थी अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फिल्म सिंघम? अजय देवगन और रोहित शेट्टी की सुपरहिट जोड़ी ने साल 2011 में सिंघम नाम की एक फिल्म बनाई, जिसने उस साल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इसके बाद आज सिंघम एक फिल्म सीरीज का रूप ले चुकी है और दर्शक सिंघम की तीसरी कड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सिंघम के 7 साल पूरे हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंघम में अजय देवगन के साथ काजल अग्रवाल ने मुख्य किरदार निभाया, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि
काजल इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थी। असल में सिंघम ने निर्माता साउथ अदाकारा अनुष्का शेट्टी को सिंघम में लेना चाहते थे, जिसके लिए अनुष्का से बात की गई थी। हालांकि निर्माताओं और अनुष्का के बीच फिल्म की फीस को लेकर कुछ मिस कम्युनिकेशन हो गया, जिस कारण अनुष्का अजय देवगन के साथ सिंघम में दिखाई नहीं दी थी। जब अनुष्का और सिंघम निर्माताओं की बात नहीं बन पाई तो मीडिया में उस समय कई सारी खबरें लिखी गई और बताया गया कि अनुष्का ने ये फिल्म साइन क्यों नहीं की। हालांकि उसके थोड़े समय बाद अनुष्का ने खुद मीडिया को बताया कि सिंघम साइन न करने की असली वजह क्या थी। इसके बाद जो गलत खबरें लिखी गई थी उनसे पर्दा उठा। बता दें कि सिंघम रिटर्न्स में अजय देवगन के साथ करीना कपूर खान दिखाई दी थी। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी। इसके बाद अब सिंघम के निर्माता इसका तीसरा भाग बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि उसकी कास्टिंग से भी पर्दा नहीं उठाया गया है। देखना होगा कि सिंघम 3 में अजय देवगन के अपोजिट कौन सी अदाकारा दिखाई देगी। डायरेक्टर रोहित शेट्टी के द्वारा बनाई गई सिंघम अभी भी लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है। इसका एकमात्र कारण फिल्म के मुख्य किरदार बाजीराव सिंघम का निडर स्वभाव है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभाने वाले प्रकाश राज ने उस समय मीडिया को बताया था कि मैं डार्क सिनेमा करके बोर हो चुका हूँ, लेकिन सिंघम वैसी फिल्म नहीं है। आइए आपको सिंघम की 7वीं सालगिरह पर इसके 5 अनजाने तथ्य बताते। अजय देवगन का एंट्री सीन डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने पंचगानी में शूट किया, जहां रात में तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला गया। इस सीन की शूटिंग के समय जहां फिल्म का क्रू जैकेट और स्वेटर पहने हुआ था, वहीं अजय देवगन बिना कुछ पहने ठंडे पानी में नहाकर निकल रहे थे। ये साल 2010 में बनी तमिल फिल्म सिंघम का हिंदी रिमेक ओरिजिनल सिंघम में सूर्या के साथ प्रकाश राज और अनुष्का शेट्टी ने काम किया। प्रकाश राज ने हिंदी सिंघम में भी खलनायक की भूमिका निभाई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले सिंघम में काजल अग्रवाल नहीं बल्कि साउथ हीरोइन अनुष्का शेट्टी काम करने वाली थी, लेकिन उन्होंने कुछ कारणों के चलते इस फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अनुष्का ने मीडिया को बाद में बताया था, मैंने सिंघम क्यों नहीं की। हिंदी मीडिया ने काफी कुछ लिखा, लेकिन जब अनुष्का ने बताया मैंने इस फिल्म को क्यों छोड़ा तो सभी लोगों के मुंह बंद हो गए। हिंदी सिनेमा के जाने माने कलाकार अशोक सराफ ने इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में 9 साल के बाद वापसी की। सिंघम से पहले उन्होंने साल 2002 में कुछ तुम कहो कुछ हम कहे जैसी फिल्में की थी। फिल्म सिंघम को रोहित शेट्टी ने मात्र 20 करोड़ रुपए में बनाया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए की कमाई की। अजय देवगन और काजल अग्रवाल स्टारर सिंघम उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी। डायरेक्टर रोहित शेट्टी की नई फिल्म सिम्बा साल 2018 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। इसमें रणवीर सिंह पहली बार एक पुलिस अफसर के रूप में नजर आएंगे और उनकी हीरोइन के तौर पर सारा अली खान दिखाई देंगी। हाल ही में रणवीर सिंह और सारा अली खान स्टार सिम्बा का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों ने दिल खोल कर प्यार दिया। बता दें फिल्म सिम्बा रणवीर सिंह के करियर की पहली ऑन एंड आउट मसाला एंटरटेनर। इसमें वो रोहित शेट्टी के हीरो बने हैं, जो गुंडों की जमकर हड्डियां तोड़ता और उनकी नानी याद दिलाता है। रणवीर सिंह के साथ साथ उनके फैंस को भी सिम्बा से काफी सारी उम्मीदें। देखना होगा कि ये फिल्म उन पर कैसी उतरती। हालांकि फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर से बने उत्साह को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि दर्शक सिम्बा देखने के लिए उत्साहित तो हैं। अजय देवगन ने सिंघम के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर बॉक्स ऑफिस पर मोटी कमाई की थी। अब उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए रोहित शेट्टी ने एक नया सिंघम उतार दिया है रणवीर सिंह के रूप में। इस ट्रेलर में अजय देवगन को भी दिखाया गया है। ट्रेलर में साफ दिख रहा है कि अजय देवगन को देखकर एक छोटा सा बच्चा पुलिस वाला बनना चाहता है और वो बन भी जाता है। और ट्रेलर के एंड में अजय देवगन की फिर से री एंट्री, क्या हो सकती है कहानी। ट्रेलर को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये मल्टी स्टारर फिल्म हो, जिसमें अजय देवगन भी है और रणवीर सिंह भी। लेकिन ट्रेलर में रणवीर सिंह के हाथ पर एक जगह पुलिस लिखा हुआ है, उसे देखकर तो यही लगता है कि उसके अंदर कितनी बड़ी दीवानगी है पुलिस को लेकर। रणवीर सिंह गुंडों के पीछे भागते हुए आला रे आला सिम्बाला में एकदम जबरदस्त लुक में नजर आ रहे हैं। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग गोवा में हुई है, लेकिन इस फिल्म की कहानी क्या सिंघम से जुड़ी हुई है या सिंघम के आगे की कहानी है या फिर उससे अलग, ये तो फिल्म के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये फिल्म साउथ इंडस्ट्री की सुपरहिट फिल्म टेम्पर का रिमेक है। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर
और काजल अग्रवाल थी। इस फिल्म का बजट 35 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर कमाई 74.3 करोड़। लेकिन सिम्बा के ट्रेलर को देखकर तो यही लगता है कि इसकी स्टोरी टेम्पर की तरह ही है, बस कुछ चीजें ही अलग हैं। फिल्म का प्लॉट एकदम टेम्पर की तरह ही है। टेम्पर में भी एक बच्चा पुलिस वाला बनना चाहता है, लेकिन वो पुलिस वाला देश की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए। वो जिस शहर में भी जाता है, जिस थाने में भी जाता है, वहाँ पे घूस लेना चालू कर देता है। इसी बीच उसे एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक लड़की के साथ रेप हो जाता है और वो हीरो को अपना भाई मानती है और अपनी इस मुंह बोली बहन को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता देख उसका दिल पिघल जाता है और वो कसम खा लेता है कि वो रेपिस्ट को नहीं छोड़ेगा, उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाकर ही दम लेगा। तो सिम्बा के ट्रेलर में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ अलग है तो वो ये अजय देवगन की एंट्री शुरुआत में और लास्ट में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये उठती है कि रणवीर सिंह पुलिस वाले कैरेक्टर के साथ न्याय कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि इससे पहले भारतीय सिनेमा में एक से बढ़कर एक पुलिस वाले रोल देखने को मिल चुके हैं, जैसे कि अजय देवगन। अजय देवगन ने ऐसे पुलिस का रोल निभाया है कि मानो कि वो अगर एक एक्टर ना होते तो किसी बड़े अधिकारी वाले रैंक पोस्ट पर होते। उन्होंने फिल्म सिंघम, सिंघम 2, गंगाजल, दीवाने, संडे, इंसान और कुछ फिल्मों में शानदार पुलिस वाले का अभिनय किया है जो कि एक यादगार है। उसके बाद नाम आता है सनी देओल। सनी देओल ने फिल्म इंडियन में दमदार पुलिस वाले का रोल निभाया था। उसके बाद नाम आता है सरफरोश। सरफरोश में आमिर खान ने भी पुलिस वाले का एक मजबूत कैरेक्टर निभाया था। और इसके बाद एक और नाम है इस लिस्ट में, ओमपुरी। ओमपुरी ने अर्ध सत्य में एक ऐसे पुलिस वाले का रोल निभाया था जो कि आज तक लोगों की जुबान पर है। उसके बाद नाम आता है इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का। फिल्म जंजीर में उनके पुलिस वाले किरदार को कौन भूल सकता है। उसके बाद खाकी में, और इस लिस्ट में एक और नाम शुमार है जिन्हें पुलिस के रोल के लिए कोई नहीं भूल सकता, और वो नाम है नाना पाटेकर का। नाना पाटेकर की तिरंगा और अब तक 56 में। नाना पाटेकर ने ऐसे पुलिस वाले का किरदार निभाया मानो कि वो वाकई पुलिस वाले हो। तो दोस्तों, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि रणवीर सिंह एक नया कीर्तिमान बना पाते हैं पुलिस वाले के रोल में या नहीं, जैसा कि उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में बनाया है। हम आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है। इसमें रणवीर सिंह ACP संग्राम भाले राव का किरदार निभा रहे हैं, सारा अली खान प्रिया बख्शी का, सोनू सूद विक्रांत कदम का, अजय देवगन कैमियो एज अ बाजीराव सिंघम, आशुतोष राणा सीनियर इंस्पेक्टर कदम का, सिद्धार्थ यादव इंस्पेक्टर गणेश तावड़े का, और इस फिल्म में अक्षय कुमार का भी एक कैमियो रोल है। उनके अलावा तुषार कपूर, कुणाल खेमू, श्रीस्थल पड़े और अरशद वारसी का भी, और इसमें एक आइटम सॉन्ग भी है जिसमें सनी लियोन ठुमकते हुए नजर आएंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रणबीर कपूर, रोहित शेट्टी, अजय देवगन इस फिल्म को टेम्पर की तरह सुपर डुपर हिट बना पाएंगे या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशंस। सेट्टी निर्देशित फिल्म सिंघम फ्रेंचाइजी की पिछली दो फिल्मों में अजय देवगन लीड रोल में नजर आए। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। दोनों ने ही ओवरऑल 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। अब सुनने में आया है कि प्रोड्यूसर जयंती लाल गाढ़ा ने इस फिल्म के तीसरे पार्ट यानी कि सिंघम 3 के राइट्स खरीदे हैं। वे अपने बैनर तले इस फिल्म का निर्माण करेंगे। सुनने में आया है कि मेकर्स इस बार लीड रोल में अजय देवगन की जगह विद्युत जामवाल को लेने का मन बना रहे हैं। विद्युत इससे पहले बुलेट राजा में SP का किरदार निभा चुके हैं। इसके अलावा कमांडो फ्रेंचाइजी और बादशाहों में उन्होंने फौजी का रोल प्ले किया था। सिंघम 3 के अलावा विद्युत जल्द ही कमांडो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म में भी दिखाई देंगे। विद्युत की फिल्म जंगली अगले साल 5 अप्रैल को रिलीज होगी। सूर्या स्टारर तमिल फिल्म सिंघम 3 2017 में रिलीज हुई थी।
हरि निर्देशित इस फिल्म को जयंती लाल गाढ़ा के बेटे धवल गाढ़ा ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म में श्रुति हसन और अनुष्का शेट्टी नजर आई थी। सिंघम 3 में अजय देवगन को लिया जा रहा है या फिर सनी देओल को? सिंघम 3 की कहानी क्या है? सिंघम 3 में किस हीरोइन को लिया जा रहा है? सिंघम 3 की शूटिंग कब से शुरू होने जा रही है? आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की सिंघम सीरीज में अब सनी देओल नजर आएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। भला आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या हुआ जो सिंघम जैसी हिट सीरीज से अजय देवगन ने दूरी बना ली। दरअसल यहाँ मामला कुछ और है। अब बॉलीवुड में दो सिंघम 3 बनेगी, एक जिसे रोहित शेट्टी निर्देशित करेंगे और उसमें हमेशा की तरह अजय देवगन बेहद कड़क पुलिस वाले सिंघम की भूमिका निभाएंगे। दूसरी सिंघम 3 का निर्माण जयंती लाल गाढ़ा करने वाले हैं, जिसमें सिंघम की भूमिका में सनी देओल को फाइनल कर लिया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि एक ही नाम से दो फिल्में क्यों बनाई जा रही, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। सनी देओल को लेकर बनने वाली फिल्म सिंघम 3 के को प्रोड्यूसर जयंती लाल गाढ़ा ने NewBharatTimes.com से हुई बातचीत में बताया, सबसे पहले तो मैं फिल्म के नाम को लेकर एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि लोग इसे सिंघम 3 कह रहे हैं, लेकिन हम इस फिल्म को यस 3 के नाम से रिलीज करेंगे। हमारी फिल्म यस 3 तमिल में बनी फिल्म सिंघम का तीसरा भाग है, जिसके तीनों भाग का निर्देशन हरि ने किया। तमिल में पहले भाग का नाम सिंघम था, दूसरे भाग का नाम सिंघम 2 था और तीसरे भाग का नाम यस 3 था। हम इसी तमिल में बनी यस 3 को हिंदी में बनाएंगे। जयंती लाल गाढ़ा आगे कहते हैं, हमारी फिल्म की कहानी से रोहित शेट्टी या अजय देवगन का कुछ लेना देना नहीं। हमारी फिल्म के पिछले भागों का नाम जरूर उनकी फिल्म से मिलता जुलता, क्योंकि रोहित ने पहली सिंघम तमिल में बनी फिल्म के सभी तरह के अधिकारों को लेकर बनाई। लेकिन जब रोहित फिल्म का दूसरा भाग बनाना चाहते थे, तब उन्हें तमिल में बनी सिंघम 2 के अधिकार नहीं मिले और उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी थी। दरअसल मैं तमिल में बनी यस 3 का निर्माता भी हूँ। मेरे साथी निर्माता ने मुझे इस फिल्म को हिंदी में बनाने का प्रस्ताव दिया और मैं भी तैयार हो गया हूँ। यस 3 में सनी देओल सूर्या की जगह कड़क और ईमानदार पुलिस वाले का किरदार निभाएंगे और फिल्म का निर्देशन के रवि चंद्रन करेंगे। फिल्म की हीरोइन के लिए अभी तक किसी से कोई बात नहीं हुई। फिलहाल फिल्म की कहानी को हिंदी में लिखने का काम किया जा रहा है। सिंघम रिटर्न्स एक भारतीय एक्शन फिल्म है, जिसके निर्देशक रोहित शेट्टी। इस फिल्म का निर्माता रिलायंस एंटरटेनमेंट है। ये फिल्म 2011 में आई सिंघम नामक फिल्म की दूसरी कड़ी, जिसके मुख्य कलाकार अजय देवगन थे, जो इस फिल्म के सह निर्माता भी है। इनके साथ करीना कपूर खान भी है। इसका ट्रेलर 11 जुलाई को जारी हुआ तथा ये फिल्म 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर रिलीज होने को अनुसूचित तथा ये फिल्म दर्शकों के अनुसार इस फिल्म ने खूब धमाल मचाया था और इस फिल्म ने भारत की बड़ी फिल्मों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया। भारत की चौथी पहले दिन में सर्वाधिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई। अनुष्का शेट्टी ने क्यों ठुकरा दी थी अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फिल्म सिंघम? अजय देवगन और रोहित शेट्टी की सुपरहिट जोड़ी ने साल 2011 में सिंघम नाम की एक फिल्म बनाई, जिसने उस साल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इसके बाद आज सिंघम एक फिल्म सीरीज का रूप ले चुकी है और दर्शक सिंघम की तीसरी कड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सिंघम के 7 साल पूरे हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंघम में अजय देवगन के साथ काजल अग्रवाल ने मुख्य किरदार निभाया, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि काजल इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थी। असल में सिंघम ने निर्माता साउथ अदाकारा अनुष्का शेट्टी को सिंघम में लेना चाहते थे, जिसके लिए अनुष्का से बात की गई थी। हालांकि निर्माताओं और अनुष्का के बीच फिल्म की फीस को लेकर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, जिस कारण अनुष्का अजय देवगन के साथ सिंघम में दिखाई नहीं दी। जब अनुष्का और सिंघम निर्माताओं की बात नहीं बन पाई तो मीडिया में उस समय कई सारी खबरें लिखी गई और बताया गया कि अनुष्का ने ये फिल्म साइन क्यों नहीं की। हालांकि उसके थोड़े समय बाद अनुष्का ने खुद मीडिया को बताया कि सिंघम साइन न करने की असली वजह क्या थी। इसके बाद जो गलत खबरें लिखी गई थी उनसे पर्दा उठा। बता दें कि सिंघम रिटर्न्स में अजय देवगन के साथ करीना कपूर खान दिखाई दी थी। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी। इसके बाद अब सिंघम के निर्माता इसका तीसरा भाग बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि उसकी कास्टिंग से भी पर्दा नहीं उठाया गया है।
देखना होगा कि सिंघम 3 में अजय देवगन के अपोजिट कौन सी अदाकारा दिखाई देगी। डायरेक्टर रोहित शेट्टी के द्वारा बनाई गई सिंघम अभी भी लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है। इसका एकमात्र कारण फिल्म के मुख्य किरदार बाजीराव सिंघम का निरर स्वभाव है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभाने वाले प्रकाश राज ने उस समय मीडिया को बताया था कि मैं डार्क सिनेमा करके बोर हो चुका हूँ, लेकिन सिंघम वैसी फिल्म नहीं है। आइए आपको सिंघम की 7वीं सालगिरह पर इसके 5 अनजाने तथ्य बताते। अजय देवगन का एंट्री सीन डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने पंचगानी में शूट किया, जहां रात में तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला गया। इस सीन की शूटिंग के समय जहां फिल्म का क्रू जैकेट और स्वेटर पहने हुआ था, वहीं अजय देवगन बिना कुछ पहने ठंडे पानी में नहाकर निकल रहे थे। ये साल 2010 में बनी तमिल फिल्म सिंघम का हिंदी रिमेक ओरिजिनल सिंघम में सूर्या के साथ प्रकाश राज और अनुष्का शेट्टी ने काम किया। प्रकाश राज ने हिंदी सिंघम में भी खलनायक की भूमिका निभाई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले सिंघम में काजल अग्रवाल नहीं बल्कि साउथ हीरोइन अनुष्का शेट्टी काम करने वाली थी, लेकिन उन्होंने कुछ कारणों के चलते इस फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अनुष्का ने मीडिया को बाद में बताया था, मैंने सिंघम क्यों नहीं की। हिंदी मीडिया ने काफी कुछ लिखा, लेकिन जब अनुष्का ने बताया मैंने इस फिल्म को क्यों छोड़ा, तो सभी लोगों के मुंह बंद हो गए। हिंदी सिनेमा के जाने माने कलाकार अशोक सराफ ने इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में 9 साल के बाद वापसी की। सिंघम से पहले उन्होंने साल 2002 में कुछ तुम कहो कुछ हम कहें जैसी फिल्में की थी। फिल्म सिंघम को रोहित शेट्टी ने मात्र 20 करोड़ रुपए में बनाया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए की कमाई की। अजय देवगन और काजल अग्रवाल स्टारर सिंघम उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी। डायरेक्टर रोहित शेट्टी की नई फिल्म सिम्बा साल 2018 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। इसमें रणवीर सिंह पहली बार एक पुलिस अफसर के रूप में नजर आएंगे और उनकी हीरोइन के तौर पर सारा अली खान दिखाई देंगे। हाल ही में रणवीर सिंह और सारा अली खान स्टार सिम्बा का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों ने दिल खोल कर प्यार दिया। बता दें फिल्म सिम्बा रणवीर सिंह के करियर की पहली ऑन एंड आउट मसाला एंटरटेनर। इसमें वो रोहित शेट्टी के हीरो बने जो गुंडों की जमकर हड्डियां तोड़ता और उनकी नानी याद दिलाता है। रणवीर सिंह के साथ साथ उनके फैंस को भी सिम्बा से काफी सारी उम्मीदें। देखना होगा कि ये फिल्म उन पर कैसी उतरती। हालांकि फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर से बने उत्साह को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि दर्शक सिम्बा देखने के लिए उत्साहित तो हैं ही। अजय देवगन ने सिंघम के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर बॉक्स ऑफिस पर मोटी कमाई की थी। अब उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए रोहित शेट्टी ने एक नया सिंघम उतार दिया है रणवीर सिंह के रूप में। इस ट्रेलर में अजय देवगन को भी दिखाया गया है। ट्रेलर में साफ दिख रहा है कि अजय देवगन को देखकर एक छोटा सा बच्चा पुलिस वाला बनना चाहता है और वो बन भी जाता है। और ट्रेलर के एंड में अजय देवगन की फिर से री एंट्री, क्या हो सकती है कहानी। ट्रेलर को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये मल्टी स्टारर फिल्म हो जिसमें अजय देवगन भी है और रणवीर सिंह भी। लेकिन ट्रेलर में रणवीर सिंह के हाथ पर एक जगह पुलिस लिखा हुआ है, उसे देखकर तो यही लगता है कि उसके अंदर कितनी बड़ी दीवानगी है पुलिस को लेकर। रणवीर सिंह गुंडों के पीछे भागते हुए आला रे आला सिम्बाला में एकदम जबरदस्त लुक में नजर आ रहे हैं। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग गोवा में हुई है, लेकिन इस फिल्म की कहानी क्या सिंघम से जुड़ी हुई है या सिंघम के आगे की कहानी है या फिर उससे अलग, ये तो फिल्म के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये फिल्म साउथ इंडस्ट्री की सुपरहिट फिल्म टेम्पर का रिमेक है। इस फिल्म में जूनियर NTR और काजल अग्रवाल थी। इस फिल्म का बजट 35 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर कमाई 74.3 करोड़। लेकिन सिम्बा के ट्रेलर को देखकर तो यही लगता है कि इसकी स्टोरी टेम्पर की तरह ही है, बस कुछ चीजें ही अलग हैं। फिल्म का प्लॉट एकदम टेम्पर की तरह ही है। टेम्पर में भी एक बच्चा पुलिस वाला बनना चाहता है, लेकिन वो पुलिस वाला देश की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए। वो जिस शहर में भी जाता है, जिस थाने में भी जाता है, वहाँ पे घूस लेना चालू कर देता है। इसी बीच उसे एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक लड़की के साथ रेप हो जाता है और वो हीरो को अपना भाई मानती है।
और अपनी इस मुंह बोली बहन को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता देख उसका दिल पिघल जाता है और वो कसम खा लेता है कि वो रेपिस्ट को नहीं छोड़ेगा, उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाकर ही दम लेगा। तो सिम्बा के ट्रेलर में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ अलग है तो वो ये अजय देवगन की एंट्री शुरुआत में और लास्ट में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये उठती है कि रणवीर सिंह पुलिस वाले कैरेक्टर के साथ न्याय कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि इससे पहले भारतीय सिनेमा में एक से बढ़कर एक पुलिस वाले रोल देखने को मिल चुके हैं, जैसे कि अजय देवगन ने ऐसे पुलिस का रोल निभाया है कि मानो कि वो अगर एक एक्टर ना होते तो किसी बड़े अधिकारी वाले रैंक पोस्ट पर होते। उन्होंने फिल्म सिंघम, सिंघम 2, गंगाजल, दीवाने, संडे, इंसान और कुछ फिल्मों में शानदार पुलिस वाले का अभिनय किया है जो कि एक यादगार है। उसके बाद नाम आता है सनी देओल। सनी देओल ने फिल्म इंडियन में दमदार पुलिस वाले का रोल निभाया था। उसके बाद नाम आता है सरफरोश। सरफरोश में आमिर खान ने भी पुलिस वाले का एक मजबूत कैरेक्टर निभाया था। और इसके बाद एक और नाम है इस लिस्ट में, ओमपुरी। ओमपुरी ने अर्ध सत्य में एक ऐसे पुलिस वाले का रोल निभाया था जो कि आज तक लोगों की जुबान पर है। उसके बाद नाम आता है इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का। फिल्म जंजीर में उनके पुलिस वाले किरदार को कौन भूल सकता है। उसके बाद खाकी में, और इस लिस्ट में एक और नाम शुमार है जिन्हें पुलिस के रोल के लिए कोई नहीं भूल सकता, और वो नाम है नाना पाटेकर का। नाना पाटेकर की तिरंगा और अब तक 56 में। नाना पाटेकर ने ऐसे पुलिस वाले का किरदार निभाया मानो कि वो वाकई पुलिस वाले हो। तो दोस्तों ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि रणवीर सिंह एक नया कीर्तिमान बना पाते हैं पुलिस वाले के रोल में या नहीं, जैसा कि उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में बनाया है। हम आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है। इसमें रणवीर सिंह ACP संग्राम भाले राव का किरदार निभा रहे हैं, सारा अली खान प्रिया बख्शी का, सोनू सूद विक्रांत कदम का, अजय देवगन कैमियो एज अ बाजीराव सिंघम, आशुतोष राणा सीनियर इंस्पेक्टर कदम का, सिद्धार्थ जाधव इंस्पेक्टर गणेश तावड़े का, और इस फिल्म में अक्षय कुमार का भी एक कैमियो रोल है। उनके अलावा तुषार कपूर, कुणाल खेमू, श्रेयस तलपड़े और अरशद वारसी का भी, और इसमें एक आइटम सॉन्ग भी है जिसमें सनी लियोन ठुमकते हुए नजर आएंगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि रणबीर कपूर, रोहित शेट्टी, अजय देवगन इस फिल्म को टेम्पर की तरह सुपर डुपर हिट बना पाएंगे या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशंस। सिंघम 3 में अजय देवगन को लिया जा रहा है या फिर सनी देओल को, सिंघम 3 की कहानी क्या है, सिंघम 3 में किस हीरोइन को लिया जा रहा है, सिंघम 3 की शूटिंग कब से शुरू होने जा रही है। आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की सिंघम सीरीज में अब सनी देओल नजर आएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। भला आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या हुआ जो सिंघम जैसी हिट सीरीज से अजय देवगन ने दूरी बना ली। दरअसल यहाँ मामला कुछ और है। अब बॉलीवुड में दो सिंघम 3 बनेगी, एक जिसे रोहित शेट्टी निर्देशित करेंगे और उसमें हमेशा की तरह अजय देवगन बेहद कड़क पुलिस वाले सिंघम की भूमिका निभाएंगे। दूसरी सिंघम 3 का निर्माण जयंती लाल गाडा करने वाले है, जिसमें सिंघम की भूमिका में सनी देओल को फाइनल कर लिया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि एक ही नाम से दो फिल्में क्यों बनाई जा रही, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। सनी देओल को लेकर बनने वाली फिल्म सिंघम 3 के को प्रोड्यूसर जयंती लाल गाढ़ा ने NewBharatTimes.com से हुई बातचीत में बताया, सबसे पहले तो मैं फिल्म के नाम को लेकर एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि लोग इसे सिंघम 3 कह रहे हैं, लेकिन हम इस फिल्म को यश 3 के नाम से रिलीज करेंगे। हमारी फिल्म यश 3 तमिल में बनी फिल्म सिंघम का तीसरा भाग है, जिसके तीनों भाग का निर्देशन हरि ने किया। तमिल में पहले भाग का नाम सिंघम था, दूसरे भाग का नाम सिंघम 2 था और तीसरे भाग का नाम यश 3 था।
हम इसी तमिल में बनी यस्त्री को हिंदी में बनाएंगे। जयंतीलाल गाढ़ा आगे कहते हैं, हमारे फिल्म की कहानी से रोहित शेट्टी या अजय देवगन का कुछ लेना देना नहीं। हमारी फिल्म के पिछले भागों का नाम जरूर उनकी फिल्म से मिलता जुलता, क्योंकि रोहित ने पहली सिंघम तमिल में बनी फिल्म के सभी तरह के अधिकारों को लेकर बनाई। लेकिन जब रोहित फिल्म का दूसरा भाग बनाना चाहते थे, तब उन्हें तमिल में बनी सिंघम 2 के अधिकार नहीं मिले और उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी थी। दरअसल मैं तमिल में बनी यस्त्री का निर्माता भी हूँ। मेरे साथी निर्माता ने मुझे इस फिल्म को हिंदी में बनाने का प्रस्ताव दिया और मैं भी तैयार हो गया हूँ। यस्त्री में सनी देओल सूर्या की जगह कड़क और ईमानदार पुलिस वाले का किरदार निभाएंगे और फिल्म का निर्देशन के रवि चंद्रन करेंगे। फिल्म की हीरोइन के लिए अभी तक किसी से कोई बात नहीं हुई। फिलहाल फिल्म की कहानी को हिंदी में लिखने का काम किया जा रहा है। सिंघम रिटर्न्स एक भारतीय एक्शन फिल्म जिसके निर्देशक रोहित शेट्टी। इस फिल्म का निर्माता रिलायंस एंटरटेनमेंट है। ये फिल्म 2011 में आई सिंघम नामक फिल्म की दूसरी कड़ी, जिसके मुख्य कलाकार अजय देवगन थे, जो इस फिल्म के सह निर्माता भी। इनके साथ करीना कपूर खान भी है। इसका ट्रेलर 11 जुलाई को जारी हुआ तथा ये फिल्म 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर रिलीज होने हेतु अनुसूचित तथा ये फिल्म दर्शकों के अनुसार इस फिल्म ने खूब धमाल मचाया और इस फिल्म ने भारत की बड़ी फिल्मों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया। भारत की चौथी पहले दिन में सर्वाधिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई। अनुष्का शेट्टी ने क्यों ठुकरा दी थी अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फिल्म सिंघम? अजय देवगन और रोहित शेट्टी की सुपरहिट जोड़ी ने साल 2011 में सिंघम नाम की एक फिल्म बनाई जिसने उस साल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इसके बाद आज सिंघम एक फिल्म सीरीज का रूप ले चुकी है और दर्शक सिंघम की तीसरी कड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सिंघम के 7 साल पूरे हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंघम में अजय देवगन के साथ काजल अग्रवाल ने मुख्य किरदार निभाया था। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि काजल इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थी। असल में सिंघम ने निर्माता साउथ अदाकारा अनुष्का शेट्टी को सिंघम में लेना चाहते थे, जिसके लिए अनुष्का से बात की गई थी। हालांकि निर्माताओं और अनुष्का के बीच फिल्म की फीस को लेकर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, जिस कारण अनुष्का अजय देवगन के साथ सिंघम में दिखाई नहीं दी। जब अनुष्का और सिंघम निर्माताओं की बात नहीं बन पाई तो मीडिया में उस समय कई सारी खबरें लिखी गई और बताया गया कि अनुष्का ने ये फिल्म साइन क्यों नहीं की। हालांकि उसके थोड़े समय बाद अनुष्का ने खुद मीडिया को बताया कि सिंघम साइन न करने की असली वजह क्या थी। इसके बाद जो गलत खबरें लिखी गई थी उनसे पर्दा उठा। बता दें कि सिंघम रिटर्न्स में अजय देवगन के साथ करीना कपूर खान दिखाई दी थी। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी। इसके बाद अब सिंघम के निर्माता इसका तीसरा भाग बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि उसकी कास्टिंग से भी पर्दा नहीं उठाया गया है। देखना होगा कि सिंघम 3 में अजय देवगन के अपोजिट कौन सी अदाकारा दिखाई देगी। डायरेक्टर रोहित शेट्टी के द्वारा बनाई गई सिंघम अभी भी लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है। इसका एकमात्र कारण फिल्म के मुख्य किरदार बाजीराव सिंघम का निडर स्वभाव है। फिल्म में खलनायक का किरदार निभाने वाले प्रकाश राज ने उस समय मीडिया को बताया था कि मैं डार्क सिनेमा करके बोर हो चुका हूँ, लेकिन सिंघम वैसी फिल्म नहीं है। आइए आपको सिंघम की 7वीं सालगिरह पर इसके 5 अनजाने तथ्य बताते। अजय देवगन का एंट्री सीन डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने पंचगानी में शूट किया, जहां रात में तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला गया। इस सीन की शूटिंग के समय जहां फिल्म का क्रू जैकेट और स्वेटर पहने हुआ था, वहीं अजय देवगन बिना कुछ पहने ठंडे पानी में नहाकर निकल रहे थे। ये साल 2010 में बनी तमिल फिल्म सिंघम का हिंदी रिमेक ओरिजिनल सिंघम में सूर्या के साथ प्रकाश राज और अनुष्का शेट्टी ने काम किया। प्रकाश राज ने हिंदी सिंघम में भी खलनायक की भूमिका निभाई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले सिंघम में काजल अग्रवाल नहीं बल्कि साउथ हीरोइन अनुष्का शेट्टी काम करने वाली थी, लेकिन उन्होंने कुछ कारणों के चलते इस फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अनुष्का ने मीडिया को बाद में बताया था, मैंने सिंघम क्यों नहीं की। हिंदी मीडिया ने काफी कुछ लिखा, लेकिन जब अनुष्का ने बताया मैंने इस फिल्म को क्यों छोड़ा, तो सभी लोगों के मुंह बंद हो गए। हिंदी सिनेमा के जाने माने कलाकार अशोक सराफ ने इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में 9 साल के बाद वापसी की। सिंघम से पहले उन्होंने साल 2002 में कुछ तुम कहो कुछ हम कहें
जैसी फिल्में की थी। फिल्म सिंघम को रोहित शेट्टी ने मात्र 20 करोड़ रुपए में बनाया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए की कमाई की। अजय देवगन और काजल अग्रवाल स्टारर सिंघम उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी। डायरेक्टर रोहित शेट्टी की नई फिल्म सिम्बा साल 2018 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। इसमें रणवीर सिंह पहली बार एक पुलिस अफसर के रूप में नजर आएंगे और उनकी हीरोइन के तौर पर सारा अली खान दिखाई देंगी। हाल ही में रणवीर सिंह और सारा अली खान स्टार सिम्बा का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों ने दिल खोल कर प्यार दिया। इसके बाद अब निर्माताओं ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि वो सिम्बा का पहला ऑफिशियल मूवी डांस नंबर आंख मारे कब रिलीज करेंगे। सिम्बा एक्टर रणवीर सिंह ने कुछ देर पहले ही अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि आंख मारे गाना 6 दिसंबर के दिन दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा, जिसमें वो सारा अली खान के साथ जबरदस्त डांस करते दिखाई देंगे। रणवीर सिंह ने आंख मारे गाने की ट्यून ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है, आंख मारे कल रिलीज हो रहा है, तैयार हो जाओ आंख मारे गाना। अरशद वारसी के सुपर हिट गाने आंख मारे ओ लड़का आंख मारे का रिमिक्स वर्जन। बीते दिनों अरशद वारसी ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि रणवीर सिंह और सारा अली खान के साथ सिम्बा के इस रिमिक्स गाने में दिखाई देंगे। बता दें फिल्म सिम्बा रणवीर सिंह के करियर की पहली ऑन एंड आउट मसाला एंटरटेनर है। इसमें वो रोहित शेट्टी के हीरो बने हैं, जो गुंडों की जमकर हड्डियां तोड़ता और उनकी नानी याद दिलाता है। रणवीर सिंह के साथ साथ उनके फैंस को भी सिम्बा से काफी सारी उम्मीदें हैं। देखना होगा कि ये फिल्म उन पर कैसी उतरती। हालांकि फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर से बने उत्साह को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि दर्शक सिम्बा देखने के लिए उत्साहित तो हैं। आपका फिल्म के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अजय देवगन ने सिंघम के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर बॉक्स ऑफिस पर मोटी कमाई की थी। अब उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए रोहित शेट्टी ने एक नया सिंघम उतार दिया है रणवीर सिंह के रूप में। इस ट्रेलर में अजय देवगन को भी दिखाया गया है। ट्रेलर में साफ दिख रहा है कि अजय देवगन को देखकर एक छोटा सा बच्चा पुलिस वाला बनना चाहता है और वो बन भी जाता है। और ट्रेलर के एंड में अजय देवगन की फिर से री एंट्री, क्या हो सकती है कहानी। ट्रेलर को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये मल्टी स्टारर फिल्म हो, जिसमें अजय देवगन भी है और रणवीर सिंह भी। लेकिन ट्रेलर में रणवीर सिंह के हाथ पर एक जगह पुलिस लिखा हुआ है, उसे देखकर तो यही लगता है कि उसके अंदर कितनी बड़ी दीवानगी है पुलिस को लेकर। रणवीर सिंह गुंडों के पीछे भागते हुए आला रे आला सिम्बाला में एकदम जबरदस्त लुक में नजर आ रहे हैं। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग गोवा में हुई है, लेकिन इस फिल्म की कहानी क्या सिंघम से जुड़ी हुई है या सिंघम के आगे की कहानी है या फिर उससे अलग, ये तो फिल्म के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये फिल्म साउथ इंडस्ट्री की सुपरहिट फिल्म टेम्पर का रिमेक है। इस फिल्म में जूनियर NTR और काजल अग्रवाल थी। इस फिल्म का बजट 35 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर कमाई 74.3 करोड़। लेकिन सिम्बा के ट्रेलर को देखकर तो यही लगता है कि इसकी स्टोरी टेम्पर की तरह ही है, बस कुछ चीजें ही अलग हैं। फिल्म का प्लॉट एकदम टेम्पर की तरह ही है। टेम्पर में भी एक बच्चा पुलिस वाला बनना चाहता है, लेकिन वो पुलिस वाला देश की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए। वो जिस शहर में भी जाता है, जिस थाने में भी जाता है, वहाँ पे घूस लेना चालू कर देता है। इसी बीच उसे एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक लड़की के साथ रेप हो जाता है और वो हीरो को अपना भाई मानती है और अपनी इस मुंह बोली बहन को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता देख उसका दिल पिघल जाता है और वो कसम खा लेता है कि वो रेपिस्ट को नहीं छोड़ेगा, उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाकर ही दम लेगा। तो सिम्बा के ट्रेलर में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ अलग है तो वो ये अजय देवगन की एंट्री शुरुआत में और लास्ट में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये उठती है कि रणवीर सिंह पुलिस वाले कैरेक्टर के साथ न्याय कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि इससे पहले भारतीय सिनेमा में एक से बढ़कर एक पुलिस वाले रोल देखने को मिल चुके हैं, जैसे कि अजय देवगन ने ऐसे पुलिस का रोल निभाया है कि मानो कि वो अगर एक एक्टर ना होते तो किसी बड़े अधिकारी वाले रैंक पोस्ट पर होते। उन्होंने फिल्म सिंघम, सिंघम 2, गंगाजल, दीवाने, संडे, इंसान और कुछ फिल्मों में शानदार पुलिस वाले का अभिनय किया है, जो कि एक यादगार है। उसके बाद नाम आता है सनी देओल। सनी देओल ने
फिल्म इंडियन में दमदार पुलिस वाले का रोल निभाया था। उसके बाद नाम आता है सरफरोश। सरफरोश में आमिर खान ने भी पुलिस वाले का एक मजबूत कैरेक्टर निभाया था। और इसके बाद एक और नाम है इस लिस्ट में, ओमपुरी। ओमपुरी ने अर्ध सत्य में एक ऐसे पुलिस वाले का रोल निभाया था जो कि आज तक लोगों की जुबान पर है। उसके बाद नाम आता है इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का। फिल्म जंजीर में उनके पुलिस वाले किरदार को कौन भूल सकता है। उसके बाद खाकी में। और इस लिस्ट में एक और नाम शुमार है जिन्हें पुलिस के रोल के लिए कोई नहीं भूल सकता, और वो नाम है नाना पाटेकर का। नाना पाटेकर की तिरंगा और अब तक 56 में। नाना पाटेकर ने ऐसे पुलिस वाले का किरदार निभाया मानो कि वो वाकई पुलिस वाले हो। तो दोस्तों, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि रणवीर सिंह एक नया कीर्तिमान बना पाते हैं पुलिस वाले के रोल में या नहीं, जैसा कि उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में बनाया है। हम आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है। इसमें रणवीर सिंह ACP संग्राम भाले राव का किरदार निभा रहे हैं, सारा अली खान प्रिया बख्शी का, सोनू सूद विक्रांत कदम का, अजय देवगन कैमियो एज अ बाजीराव सिंघम, आशुतोष राणा सीनियर इंस्पेक्टर कदम का, सिद्धार्थ जाधव इंस्पेक्टर गणेश तावड़े का। और इस फिल्म में अक्षय कुमार का भी एक कैमियो रोल है। उनके अलावा तुषार कपूर, कुणाल खेमू, श्रीस्थल पड़े और अरशद वारसी का भी। और इसमें एक आइटम सॉन्ग भी है जिसमें सनी लियोन ठुमकते हुए नजर आएंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रणबीर कपूर, रोहित शेट्टी, अजय देवगन इस फिल्म को टेम्पर की तरह सुपर डुपर हिट बना पाएंगे या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशंस।